हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने परिवार पीबीआर स्टडी में। दोस्तों, जरा खुद से पूछिए, क्या आपको मैथ नहीं आती है? क्या आपको गणित नहीं आती है? क्या आप गणित सीखना चाहते हैं? बिल्कुल दिल से सोचना, अगर आप सीखना चाहते हो तो गारंटी हम लेते हैं आज से आपको मैथ आएगी, पूरा आएगी, जीरो से लेकर के टॉप लेवल तक आएगी। आप कॉम्पिटिशन फाइट कर पाएंगे मैथ की वजह से, आप शर्मिंदा नहीं होंगे मैथ की वजह से, आप खुद को बेकिस्मत या कुछ और भी नहीं सोचेंगे। आपसे कुछ कड़वे और यक्ष प्रश्न मैं पूछूंगा, कृपया दो मिनट ध्यान से सुनना। मैथ सीखना है ना आज से, क्या आप मैथ सीखना चाहते हो? पहले खुद से पूछो। क्या आप प्रतिदिन 60 मिनट, मैंने काट के 30 मिनट कर दिया, चलो 60 मिनट नहीं सिर्फ 30 मिनट आप दे सकते हो मैथ सीखने के लिए? क्या आप ईमानदार हैं? ईमानदार मतलब ये नहीं पढ़ने में, अपनी पढ़ाई के प्रति आप ईमानदार हैं? क्या आपको खुद पर विश्वास है, कॉन्फिडेंस है खुद पर कि आप मैथ सीख सकते हो, आप पढ़ सकते हो? अगर हाँ, अगर ये लास्ट वाला आप बोलते हो हाँ, तो आप ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसको नहीं कर दिए तो फिर ज़िंदगी बहुत मुश्किल तरह चलेगी, फिर ज़िंदगी गुजरेगी नहीं कटेगी। तो भैया, आज से आप बात समझ गए कि आपको अगर मैथ सीखना है तो 30 मिनट डेली देना है, हमारे साथ क्लास देखना है, आपको गारंटी हम लेते हैं मैथ आपको आएगी, कहीं नहीं जाना है, बस इस वीडियो में पूरा बने रहना एंड तक, ठीक है? उम्मीद बहुत बड़ी चीज़ होती है, एक छोटी सी उम्मीद के साथ इंसान ज़िंदगी की बड़ी सी बड़ी उपलब्धियों को हासिल कर लेता है, और उसी उम्मीद के साथ हम आपके सामने हैं। आज आपकी ये फर्स्ट क्लास होगी, 1 अगस्त से हमने कहा था कि आप लोगों को YouTube पे नई बैच आएगी, आप लोगों की थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, थोड़ी सी हमारी होगी, हम लोग मिल करके आगे बढ़ेंगे और भारत को एक अच्छे मुकाम पर पहुँचाएंगे, ये हम सब की जिम्मेदारी है। क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ज़िंदगी में हर जगह काम आता है। आप बाजार जाते हो, सब्जी लाने जाते हो, आलू खरीदते हो, वहाँ पे मैथ का हिसाब किताब होता है। एक बच्चा पैदा होता है, जिस दिन वो धरती पे आता है उस दिन मैथ उसके ऊपर लागू होती है, उसके डेट ऑफ बर्थ लिखे जाते हैं, उसकी जन्मतिथि लिखी जाती है, वो भी मैथ में ही होता है। जिस दिन कोई बूढ़ा बुजुर्ग जी मर जाता है, जिसकी डेथ हो जाती है, उसका भी मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है, उसमें भी मैथ लगती है। तो यार, जब ज़िंदगी के हर मोड़ पर मैथ का काम है तो फिर मैथ से भागना आसान नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, क्लास को एंड तक देखना, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, बातचीत खत्म हो चुकी है, अब हम क्लास पे चलते हैं। तो चलते चलते, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है, उम्मीद बहुत बड़ी चीज़ होती है यार, ठीक है, समझ गए ना? हौसलों के तर्कस में कोशिशों का तीर जिंदा रखना, हौसलों के तर्कस में कोशिशों का तीर जिंदा रखना, हार जाना चाहे सब कुछ ज़िंदगी में, हार जाना चाहे सब कुछ ज़िंदगी में, लेकिन एक बार फिर से जीतने की उम्मीद को जिंदा रखना, और उसके बाद फिर कहना अगर आपको मैथ नहीं आएगी तो। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप ईमानदारी से पढ़ोगे तो क्या क्या आपको सिखाएंगे, पहले इसका रोड मैप देख लो, इसका सिलेबस देख लो पूरा। जीरो लेवल से सबसे पहले हम आपको जोड़ घटाना गुणा और भाग सिखाएंगे, लेकिन जोड़ घटाना गुणा इतने में हो जाएगा, भाग का एक अलग कंसेप्ट होगा, चूंकि इसकी लंबी कहानी होती है, जिसमें आपको हर प्रकार के भाग एकदम शुरू से बताए जाएंगे। उसके बाद आपको फैक्टर सिखाया जाएगा, यानी गुणनखंड सिखाया जाएगा, और इसमें आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट वगैरह भी सिखाया जाएगा। इसके बाद आपको स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर के बारे में बताया जाएगा, HCF LCM बताया जाएगा, जिसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहा जाता है। इसमें भी आपको दो विधि से बताया जाएगा, एक फैक्टर एंड एक डिवीजन, भाग विधि और गुणनखंड विधि। इसके बाद घनमूल अलग से दिया गया था, इसको फिलहाल मैं और गहराई से करवा दूंगा अलग से। परफेक्ट एंड नॉन परफेक्ट रूट और क्यूब, ये भैया बहुत बड़ी कहानी होती है, इसका मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखा दूंगा, आगे चल के आपके बड़ा काम आएगा। संख्या पद्धति इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा, संख्या पद्धति में आपको सम विषम जो भी है, घन घनाभ जो भी, सब पढ़ाऊंगा पूरा, पूर्णांक ऋण पूर्णांक धन पूर्णांक पूरी कहानी सुनाऊंगा, ठीक है? और ऐसी कहानी जो कभी भूलोगे नहीं लाइफ में, बस एंड तक देखना इस क्लास को। इसके बाद आप पढ़ोगे फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मीन्स भिन्न आप पढ़ोगे इसके बाद, ठीक है? भिन्न में आप पढ़ोगे जोड़ घटाना गुणा भाग, सब कुछ जो आपके टेट सीटेट DLED हर एक एग्जाम तक आता है लगभग। इसका दो पार्ट होगा, दूसरे पार्ट में आपको घटाना जोड़ भाग ये सब सिखाएंगे, पहले पार्ट में सिर्फ जोड़ना सीखोगे, ठीक है? उसके बाद आप सीखोगे डेसिमल में आ जाओगे, दशमलव में, दशमलव के जितने भी इसके परिवार हैं पूरी फैमिली हम आपको गिनाएंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग सब कुछ। फिर हम आएंगे इक्वेशन यानी समीकरण, समीकरण का जोड़ना घटाना गुणा भाग, समीकरण की कहानी ऐसे ही होती है, x2 + 2x + 1, इसके दो गुणनखंड बताओ, इसका मूल बताओ, ये सब 10th तक होता है ना। जो स्टूडेंट मेडिकल और IIT की तैयारी करते हैं या फिर इनका एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए भी ये सब बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर जगह आता है। समीकरण में किसी संख्या या पद का गुणा या भाग करना, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा इसी के अंतर्गत। जैसे अगर आपको कहा जाए कि भैया x + 1 में आप चलो 2x का गुणा कर दो, तो नानी मर जाएंगी, आएगा नहीं है,
है ना, कहोगे ये यक्स यक्स क्या होता है, अगर दुई में पाँच का गुणा कहो तो हम बता देंगे गुरु जी 10 होता है, लेकिन एकद हम ना बता पाएंगे। तो ये सब हम आपको जीरो लेवल से सिखाएंगे, इसलिए इस क्लास को एंड तक देखना, और जितने भी इसके क्लास होंगे पार्ट होंगे उन्हें देखना, और वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किए तो तुरंत भर से कर दो भैया जल्दी से झट से। और हाँ, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ऐसी गलती मत करना। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे आपको बता दें तो घातांक हम देखेंगे, कॉन्सेप्ट घात वाला, जैसे आप बचपन में बहुत कुछ सुनते आए हो कि 5 का घात अगर 3 लगी है और इसमें कहा जाए कि भैया 5 का घात 2 जोड़ दो तो कितना आएगा, ये बड़ी कन्फ्यूजन वाला सवाल होता है। ये सब इतना ही नहीं, इसमें और बहुत कुछ होगा, इसके ऊपर भी 3/2 घात लग जाएगी तभी उसे हल करना होगा। हम ये सब सीखेंगे घातांक वाले में, यानी ये जो 14 नंबर चैप्टर होगा। घातांक में लिखना, घातांक का मान निकालना, ये सब हम सीखेंगे इसके सेकेंड पार्ट में, चूँकि पहले पार्ट में सिर्फ जोड़ घटाना सीखेंगे। उसके बाद आएंगे रेफनल नंबर, इसके बाद ये तो 16 हो गया ना, ये लगभग 25 तक जाएगा, लेकिन क्या सोच रहे हो मैं सब कुछ यही कहानी सुना दूँ पहले ही पार्ट में, मतलब जो लोग नहीं पढ़ने वाले वो भी जान जाएं, तो जो पढ़ेंगे रेगुलर उसके आगे इसका सिलेबस हम इसके आगे दिखाएंगे, चूँकि हम इसे टॉप लेवल तक ले चलेंगे अच्छी तरह से, इसलिए पूरा एंड तक देखना, ठीक है, बात समझ रहे हो ना। लॉकडाउन में कोरोना के कारण भैया बाहर नहीं निकला जा रहा, तो नाखून और बाल बहुत कुछ सब कुछ बढ़ गए हैं, इस वजह से हम आपके सामने नहीं आ रहे, नहीं आप लोग डर जाओगे, ठीक। सभी कमेंट करके ये बताओ इसमें से कितने लोगों को खुद पर विश्वास है, खुद पे कॉन्फिडेंस है, कितने लोगों को जल्दी बोलो फटाफट। यस, जिनको खुद पे कॉन्फिडेंस है सभी यफ लिखेंगे, और जिनको भैया कुछ दिक्कत है कि हम ये सब नहीं कर सकते नहीं पढ़ सकते वो नो लिखेंगे, जल्दी करो इतना जरूर करना तुरंत फट से। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, घंटी को बजा देना, जिससे कि आपकी भी जिंदगी की घंटी बज सके और आप पढ़ाई कर सको। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों जोड़ में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, एडिशन में जैसे आपने देखा होगा 1+2, अब भैया इससे 0 क्या होगा बोलो, इतना तो सबको आता होगा, कुछ लोग गरिया भी रहे होंगे मन ही, पता नहीं कहाँ पढ़ाने लगा भैया इतना छोटा। लेकिन देखो हम जीरो लेवल से वादा किए हैं तो वादा के बड़े पक्के हम, इसको जोड़ना है, बड़े आराम से आप जोड़ लोगे। आप जिनको नहीं आता इसे हम बचपन में सीखे थे, एक गिनती यहाँ एक लाइन यहाँ खींच लो, 2 जोड़ना है तो 2 लाइन खींच लो, अब इससे छोटा क्या बताएं, 1 जोड़ में 2 जोड़ना था, गिन लो, गिनती आती ना 1, 2, 3 नहीं आती बताना, गिनती भी गिना देंगे, ठीक ना, 2, 1, 3 ये हो गया, इसको जोड़ोगे 4, 3, 7 इतना तो हो गया। अभी ये एक एक अंक में आ रहा है, मतलब 7 1 डिजिट है ना, लेकिन अभी इसकी कहानी थोड़ा सा आगे अगर हम चलें तो बढ़ जाती है। जैसे अगर मैंने 5 में 7 जोड़ा तो ये थोड़ा बढ़ जाएगा, कैसे, 7 5 ये 12 हो जाता है। अब देखो ये 2 अंक में आ गया, यहाँ तक तो बात कुछ बर्दाश्त लायक थी, लेकिन बर्दाश्त के बाहर यहाँ से होता है, देखो इधर साइड कैसे, जब ये उस पर चलते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा और छोटा, ये भैया मान लो कि टाइप नंबर फर्स्ट था, क्या था ये, इसका टाइप नंबर फर्स्ट था, ये फर्स्ट टाइप का सवाल था इतना। अब सेकंड टाइप पे चलो, सेकंड टाइप इधर साइड में है, इसमें क्या होता है यार, जैसे ये 1 है ना, ये 4 है और ये 3 है, इसमें इनको ऐड करना है, ये तीसरा टाइप का देखना, इसमें भी सिंपल सा सवाल होता है। देखो ये पहला पार्ट है, इसके आगे मैं सब कुछ करवाऊंगा, इसलिए बता रहा हूँ, वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखना, उसमें लिंक दी होगी, जिनको ये आसान लग रहा हो आ रहा हो उनसे निवेदन है इस क्लास को ना देखें लेकिन गाली मत दें, लेकिन पूरा देखें, ठीक है, समझ रहे हो ना। चूंकि हम 0 से शुरू करेंगे तो 4 में 1 8 करेंगे 5 होगा, जिसे हिंदी में बोलेंगे 4 1 5, 3 3 कितना होगा 6 होगा, समझ गए ना, कहो तो मैं लाइन खींच के गिना दूं, लेकिन आप गिन लेना, ऐसे भी इसको गिनते हैं, 3 में 3 जोड़ना है ना, चलो इसमें का 3 अंगुली निकाल लो भैया, इसमें का 3 निकाल लो, ये लो 6 हो गई ना, गिन लो सबको 1 2 3 4 ऐसे गिनो 1 2 3 4 5 6 है ना। चलिए तो ये हो गया, इसके बाद अगर हम आगे बात कर रहे हैं तो इसमें 4 और ये 3 और ये 2 और ये 5 ये भी उन्हीं फैमिली का है, 3 2 कितना होगा 5 और ये 5 4 9 ये आप जानते हो, सोच रहे होगे इतना छोटा छोटा काहे लिए बता रहे हैं ना। एक बात तो मैं बताने को भूल गया, आप लोग इसमें कमेंट नहीं कर पाओगे ना, इस वीडियो में कमेंट नहीं कर पाओगे, तो मैं आपको नंबर दिखा देता हूँ, अभी ध्यान से देख लो, मैं इधर साइड में यहाँ नंबर लिख दिया हूँ, आप लोग इन पे व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर आप टेलीग्राम कर सकते हो, फ़ोन कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। चलो इधर साइड देखो, इन दोनों का आंसर आप कमेंट करके जल्दी से बता दो फटाफट, अगर कमेंट कर पा रहे हो तो, नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप इस नंबर पे आंसर भेज देना, ठीक है, ओके। तो ये हो गई भैया दूसरा टाइप का आपका जोड़ना हो गया, तीसरा टाइप का जोड़ना की हम लोग शुरुआत करते हैं, तीसरा टाइप में क्या होता है, तीसरा टाइप में कुछ ऐसा होता है जैसे देखो कुछ ऐसा कर कमाल, सुने हो ना, हाँ वैसा ही कुछ होता है ये और ये,
देखो अब ध्यान से देखना, इसमें 9 में 2 ऐड करते हैं तो 11 हो जाता है। 11 में दो गिनती होती है, 1 2 ना। इसमें इसको बोलते हैं क्या, इकाई अंक बोलते हैं, वंस प्लेस पर है, इसको बोलते हैं दहाई। आप कहोगे दोनों में तो एक है, एक को दहाई बोल रहे हो, एक को इकाई बोल रहे हो, तो चलो अगर आपको इससे मुसीबत हो रही थी इनको ले लो, ये इकाई है ये दहाई है, ठीक। तो इसमें जो इकाई का अंक होता है यानी वंस प्लेस पे जो होता है, वंस प्लेस के डिजिट को हम यहाँ पर लिख देते हैं चुपचाप, बड़े प्यार से लिख देते हैं शांति से, लेकिन इनके साथ शांति नहीं रह पाती है। जो ये नंबर है ना, ये इनके खोपड़ी पे ला के लिख देते हैं ऊपर, समझ गए। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, और ये जो इनके खोपड़ी पे लिखे थे ये मिलके हो गया 5, समझ में आया ना। तो ये होता हासिल वाला जोड़, इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, हासिल वाला जोड़ बोलते हैं, कैरी वगैरह भी बोलते हैं सीबीएसई वाले, समझ गए ना। तो ये था आपका तीसरा टाइप का जोड़ना। देखो टाइप समझते जाओ, पहला टाइप में बच्चों वाला सीखा था, दूसरा टाइप में किशोरावस्था वाला, और ये दूसरा में, तीसरा टाइप में कौन सा भैया, किशोरा के बाद क्या आता है, नहीं बोलेंगे। तो इस तरह का आप सभी कर ले जाओगे, मैं जान रहा हूँ कि सब लोग कर लोगे। तो चलो फिर भैया काहे लिए फिर हम देर करते हैं, थोड़ा और लिख देते हैं टेढ़ा मेढ़ा। इसको जोड़ देते हैं किस में, 7 में, और इसमें जोड़ देते हैं 8। इसका उत्तर बताओ, ये थोड़ा अलग है उससे। देखो 9 में 8 ऐड करो, 9 8 कितना होगा, 17 हिंदी में बोलते हैं, लेकिन 8 तो है नहीं, 7 है, 9 7 16 ना। देखो यार इसका जोड़ने का एक तरीका देख लो, जो बच्चे या फिर जो कम समझदार हैं, 9 में कितना जोड़ना है, 7 ना। आप ये सोचो, गेस करो कि 1 रुपया इनको उधार दे दिए, बोले कि भैया तो आप यहाँ हो तो दे दिया हमें, ठीक, इनका दे दिए थे कितना हो गया इनके लिए, 10। अब ये 1 रुपया दे दिए तो ये 6 बचे हैं। अब ये तो आप बचपन से ही सीखे हो, दादा लोग ही बताए थे कि 10 6 16 होता है ना, समझ गए ना। लेकिन इसको जोड़ने का हो तो नानी मर जाती है, नहीं समझ में आता, ये समझ में आ जाता है। तो ऐसे कर लिया करो, तो ये 9 7 कितना होगा, 16। हासिल आया कितना, 1। ये जो हासिल आया इनके सिर के ऊपर ला के चढ़ा दो इनको, है ना। 8 3 कितना होगा, 11, यानी 8 3 11, 11 1 कितना होगा, ये 12। इतने तो होगा ना, सोच विचार लो आप सभी, बताओ। और हाँ, लाइक जरूर करना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना, आगे जो वीडियो आएंगे उनमें आप कमेंट भी कर पाओगे। अभी ये बहुत छोटा टॉपिक है इसलिए कमेंट हाइड किया गया है, क्योंकि YouTube की पॉलिसी है कि भैया बचपन में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको कमेंट मत करने दो, नहीं वो गंदी बातें करते हैं। देखो इसमें चिन्ह नहीं लगा था तो मैंने चिन्ह भी लगा दिया, अब इसको भी देख लो, 3 पद में अगर रहेगा तो कैसे होगा। चूंकि आज हम आपको 0 लेवल से टॉप लेवल तक सिखाएंगे ना, इसलिए ये सब बता रहे हैं, एक भी नहीं छोड़ना है। इसमें भी वैसे ऐड करना है, 3 1 कितना होगा, 4, और ये 8 में 4 ऐड करेंगे कितना होगा, 8 4 12 होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 14। 14 नहीं होगा यार, इंग्लिश में 12 बोलते हैं, कितना होगा, 12 12 का ये जो 2 है यहाँ लिख देंगे, ये जो 1 है ना ये कैरी हो जाएगा, इसके खोपड़ी पे लिख देंगे ला के ऊपर, सिर के ऊपर, ठीक। अब ये 9 3 कितना होगा, 12, संयोग वैसे है 9 3 फिर 12 हो रहा है, और ये हासिल हो जाएगा 13। बस ऐसे ही करते हैं, बाकी और कुछ नया मंत्र नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल घबराना नहीं, जो भी नहीं आता है टेंशन नहीं लेना है। बार बार बोल रहा हूँ, विश्वास बना के रखोगे, मैथ में कोई आपको रोक नहीं सकता, 100% मार्क्स हासिल करोगे। यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड में आप देखते होगे 100% लोग पाते हैं ना, तो अगर आप टेट की परीक्षा दे रहे हो, सीटेट का दे रहे हो, डीएलएड का दे रहे हो, मैथ की वजह से चुपचाप बैठ के रो रहे हो, एक ऐसी बीमारी है जो किसी से कह भी नहीं पा रहे हो, एज की अधिकता हो गई है कि भैया मुझे मैथ नहीं आती, अब किस कोचिंग में मैं जाऊँ बैठूँ, सब लोग आंटी अंकल बोलेंगे, तो बड़ी मुसीबत आती ना ये, तो ऐसी शर्मिंदगी बिल्कुल नहीं लगेगी, आप घर बैठे पढ़ सकते हो, कहीं नहीं जाना है, कोई जान भी नहीं पाएगा, बाहर लड़का मिलेगा उसे 4 डपट लगाना भी, चल पढ़ बैठ जा, वो नहीं जान पाएगा, आपको भी नहीं आता है, ठीक ना, आपको आने लगेगा चुपके से। देखो इधर आगे, ये क्वेश्चन आप खुद से करना और हमें आंसर बताना कमेंट करके, ठीक है, समझ रहे हो ना, इसको हमें बताना कमेंट करके, ज़रूर बताना। और एक और देख लो, जो लोग दुकान उकान पर रहते हैं किराना की, उनको बड़ी मुसीबत होती है जोड़ने घटाने में, तो बहुत से ऐसे हमारे स्टूडेंट हैं जो किराना स्टोर चलाते हैं, वो हमसे मैथ पढ़ते हैं, तो बहुत खुशी की बात है कि वो हमसे सीखते हैं, उन्हें कभी कभी लंबा हिसाब जोड़ना पड़ता है, इसका आंसर आप बता देना इसी खाना में, हाँ ठीक है, उन्हें लंबा हिसाब जोड़ना पड़ता है जब वो सौदा ढेर सारा लेके आते हैं, लेकिन उन्हें बड़ी मुसीबत फील होती है जब वो हिसाब नहीं कर पाते हैं, ये लो ऐसा हो जाता है ना। ये मैं आपको जोड़ना सिखा रहा हूँ, ये मत सोचना कि ये मैं क्या बोलते हैं बनिया का सवाल बता रहा हूँ, भाई बुरा मत मानना कोई होगा तो, ऐसे बोल देते हैं साधारण तौर पर, चलो ऐसे भी होता है ना, ये सब जोड़ना होता है। मैं 0 लेवल से सिखा रहा हूँ, मैंने इसलिए टाइटल डाला है 0 से शिखर तक, तो शिखर पर मैं आपको पहुंचाऊंगा, हिमालय की चोटी पर, ठीक ना, इसलिए क्लास को रेगुलर देखना, प्रत्येक क्लास को देखना, इधर नंबर दिया गया है, अगर कोई मुसीबत होगी तो इस पर व्हाट्सएप कर देना, टेलीग्राम कर देना,
और यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो भी जानते हो, फलाना ढकाना, हर जगह जुड़ जाना हमसे, ठीक है। चलो इसको कैसे करेंगे जरा देख लो शॉर्टकट में। 9 5 14 1 15 15 4 19, यही होगा ना। चलो इंग्लिश में जोड़ते हैं, 19 हुआ, हिंदी में 19 हुआ, 4 1 5 5 5 10 9 19, मतलब वही तो हुआ ना, दोनों ये भाई भाई हैं, चचेरे माँ मेरे, उतना आएगा। इसमें कैरी कितना आया, 1 इंग्लिश में, हिंदी में बोलेंगे एक हासिल आया ना। चलो जोड़ते हैं फिर से, 3 2 5 5 3 8 8 3 11 11 1 12 का 2 है ना, फिर कितना आया, ये 2 है, 1 1 कैरी आया, यहाँ लिख दो। चलो फिर हिंदी में जोड़ते हैं, 1 हासिल पहले जोड़ लो, बाद में भूल जाता है। 9 1 10 11 11 3 14 1 15, फिर हासिल आया एक, यहाँ लिख दो, इंग्लिश में जोड़ो, 3 1 5 4 4 हो गया यार, 3 1 4, और 9 ये भाई 13 हो गया ना, हाँ 13, और ये 5 13 5 18 हो गया, हाँ 18 18 में 3 ऐड करेंगे 21। समझ में आया ना, देखो तरीका सीख लो, अगर कहीं बोलने में मिस्टेक हुआ होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्षमा कर देना और आगे पढ़ते रहना, ठीक है। तो ये इतना हो गया ना, कुछ समझ में आया, दिमाग में बसा। अगर मैंने जो आज सिखाया आपको इतना, अगर इसमें से आपको 10% भी समझ में आया, आपकी बुद्धि में कुछ भी घुसा इतना उतना रत्ती भर, तो ये मान लो आप मैथ सीख सकते हो 100%। और हाँ, अगर 1% नहीं घुसा दिमाग में, कुछ भी नहीं घुसा 3 का बराबर, तो माफ़ी चाहते हैं, ब्रह्मा भी आपको ना सिखा पाएंगे। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके दिमाग में ना घुसा हो कुछ, नहीं तो कम से कम छोटका हुआ है समझ में आया होगा, है ना, ये सब तो समझ में आए होंगे ना आपको। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो 7 से 3 जाएगा, आप सभी जानते हो ये 4 आता है, लेकिन ये कैसे आता है, बचपन में आपने सीखा होगा। देखो ये इतना छोटा मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, चूँकि हम 0 लेवल से शुरू किए हैं, तो अभी हाई लेवल तक भी जाएंगे, लेकिन हम पहले आपको एकदम 0 से स्टार्ट करेंगे, जिससे आपका विश्वास बने कि हाँ आप मैथ सीख सकते हैं। अगर मैथ में बहुत ही कमज़ोर हैं, एकदम कुछ भी नहीं आता है, आपको टेंशन नहीं लेना आज से, नो टेंशन, बिल्कुल मैथ आएगी, गारंटी के साथ आपको सिखाया जाएगा, लेकिन आपको रेगुलर ईमानदारी से पढ़ना होगा। तो 7 लाइन हमने खींच लिया है, बचपन में यही पढ़े थे, जितना घटाना है उतनी लाइन काट दो, 3 मैंने काट दिया, फिर गिन लो 1 2 3 4 बच रहा है, तो ये 4 मैंने यहाँ लिख दिया, ये तरीका होता था ना, आपने सीखा होगा, कुछ याद होगा। तो 9 से 3 सबट्रैक्ट करोगे तो 6 आएगा। हो सकता है इस वीडियो में आप कमेंट ना कर पा रहे हो, क्योंकि ये बहुत छोटा टॉपिक है, इसके आगे हम अभी हाई लेवल पढ़ाएंगे, तो उसमें आप कमेंट भी कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जिससे आप घर बैठे पढ़ पाओ। चलिए तो ये हो गए एकदम छोटे सवाल, उनसे थोड़ा सा अगले स्टेप पे बढ़ते हैं, तो कुछ बड़ा होता है। तो ये डायरेक्ट ये भी सबट्रैक होता है, 4 से 1 जाएगा 3 और 8 से 2 जाएगा 6, इस तरह से इतना आ जाएगा। इसका आंसर आप कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो आगे हम बढ़ेंगे 5वां नंबर पर। ये तो सिंपल वाले थे जिनमें आप डायरेक्ट घटा लेते हो, लेकिन कुछ ऐसे भी लफड़ा वाले सवाल होते हैं जिनको ऐसे आसानी से घटाना संभव नहीं होता है, ये इनको बोलते हैं उधार वाला, है ना, बोलते हैं ना उधार लेके घटाते हैं, उधार विधार आपने सुना है कि नहीं। इसमें से कैरी लेते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि ये 13 हो जाएगा, ऐसे इसको मान लिया जाता है, ठीक है। तो 13 से 5 सबट्रैक्ट करोगे, आप जानते हो 13 से 5 जाएगा कितना आएगा, 8 आएगा ना, सभी जानते हो 8 आएगा ना। तो भैया इसमें से एक कैरी गया था, अगर 6 था, 1 कम हो जाएगा, 5 बचेगा, अब 5 में से 1 घटाओगे 4 आएगा, कितना आएगा 4, इस तरह से ये 48 आंसर लिख दिया जाता है, समझ गए। तो ये हो गया आपका सिंपल वाला घटाना हो गया, ये उधार वाला विधार वाला जो भी था वो हो गया। तो इसमें से एक सवाल मैं आपको और भी दे रहा हूँ, आप लोग इसका जवाब दे दो जल्दी से फट से, फिर हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी करिए फटाफट, बहुत जल्दी, देर नहीं करिए। देखो आप सिंपल सी बात है, ये तो आप कर लोगे, ये हो गया यार। इसमें एक और भी सवाल आता है, अगर आगे हम बढ़ें कुछ अलग टाइप में, तो जैसे ये बन जाता है 9 और ये 0, अब भैया अगर इसमें से 1 भी घटाना है तो बड़ा मुश्किल होता है, इसको कैसे करेंगे। इसमें भी वैसे ही होता है, शून्य से किसी भी संख्या को नहीं घटाया जा सकता, इस बात को याद रखना। 0 से अगर 1 घटाओगे तो कितना आएगा, 0 से अगर कहीं भी 1 को घटाओगे आप, तो ये घटेगा नहीं, एक प्रकार से ऐसे बोल सकते हो। इसे -1 अगर बोलो तो उस तरह से आप -1 नहीं लिखोगे, ठीक है। 1 से 0 घटाओगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में से 0 को घटाने पे वही संख्या आती है, समझ गए। तो 0 से किसी भी संख्या को घटाना संभव नहीं है, क्योंकि ये 0 जो है ना वो कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा उसका अस्तित्व होता है। चलो आगे,
इस तरह से इसमें वन जब नहीं घटेगा तो इधर से उधार जाएगा, तो ऐसा माना जाता है ये 10 बन जाएगा, 10 में से एक गया ये 9 आएगा, ठीक। ये एक उधार दे देगा तो 8 बचेगा, 8 से 4 जाएगा तो ये 4 आएगा, 49 इसलिए लिखा जाता है, समझ गए। ये हो गया छोटा सा चुटकुला हो गया ये, लेकिन अगर हम थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ जाएं, ये तीन गिनती वाला घटाना तो कैसे करेंगे, बहुत गौर से देखना, चूंकि हम हर एक टाइप का बता रहे हैं आपको एकदम अलग अलग ना। इसमें देखो ये थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड है ना, 8 नंबर, आप 9 नंबर देख लो, थोड़ा इजी में 9 नंबर देख लो, जैसे हमने लिखा 9 4 5 3 1 2, ये तीन पद में तो भले हैं लेकिन ये बहुत आसान है, क्योंकि 5 से 3 सबट्रैक हो जाएगा 2 आएगा, 4 से 1 जाएगा 3 आएगा, 9 से 2 जाएगा 7 आएगा, 7 32 आ गया। इस तरह से अगर हम बात करें तो 9 8 7 2 1 5 आप सबट्रैक कर लोगे, कर लोगे ना, बहुत ईजी है ये। लेकिन भैया मुश्किल तो यहाँ से शुरू हो जाती है, यहाँ से, क्योंकि ये 1 से 4 का सबट्रैक होता ही नहीं, घटता ही नहीं है, इसमें से उधार लेते हैं तो 11 बनता है 11, 11 से 4 जाता है तो क्या आता है 7, है ना, कहते हैं 11 में से 4 गया 7, और ये क्या बचा, इसमें से एक उधार दे दिया तो ये भैया पहले ही 2 था तो अकेले बचा, 1 1 से 1 गया 0, हाँ, ये 3 3 में से 2 गया 1, 107 आया इस तरह से। तो ये आपने कितने प्रकार के देख लिए, सबसे पहले बचपन वाला आपने सीखा, एकदम बचपन वाला, एकदम छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर थोड़ा और बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर यहाँ मैंने सिखाया आपको सिंपल वाला, फिर ये देखो इसको होमवर्क दिया, ये आपको उधार वाला, ये भी 3 अंक वाला, ये 3 अंक 3 अंक, आपको मैंने काफ़ी कुछ सिखा दिया ना जोड़ना घटाना में। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, देर नहीं करना, आप इधर साइड देख लेते हैं क्या होता है। देखो यार ये इस तरह से आप कर लोगे। इसके बाद अगला नया टॉपिक है गुणा। गुणा को इंग्लिश में साथियों मल्टीपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीपल बोलते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है आप जानते हो? इसको ऐसे कह सकते हो, इधर समझ लो पहले मौखिक भाषा में, जैसे मैंने 4 को ऐड किया 3 टाइम, 4 4 4, तो आप जानते हो 4 4 8 4 12 आएगा, कितना आया 12 ना। इसे हम एक और तरीके से 12 ला सकते हैं, वो कौन सा तरीका है? वो ये वाला तरीका है कि हम 4 को 3 में मल्टीपल कर दें तब भी हम 12 ला सकते हैं। देखो अब यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है, जब किसी एक ही प्रकार की संख्या को एक से अधिक बार जोड़ दिया जाए तो उसका जो योगफल आता है वही गुणा कहलाता है, समझ गए ना। जब किसी एक ही प्रकार की संख्या को, जैसे 4 को हमने जोड़ा कितनी बार, 2 या 2 से अधिक बार, तो मतलब 2 बार या 3 बार जोड़ दिया मैंने, 2 या 2 से अधिक बार जोड़ा जाए तो जो योगफल आता है वो क्या कहलाता है, गुणा कहलाता है, समझ गए ना, या फिर गुणनफल कहलाता है। जैसे देखो 4 × 3, या फिर इसे ऐसे बोल सकते हो जो लिखना चाहते हैं, जब किसी एक ही प्रकार की संख्या को 2 या 2 से अधिक बार जोड़ा जाता है तो इस प्रक्रिया को गुणा कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गुणा कहते हैं। जैसे ये मैंने बना दिया, ठीक है। अगर कहीं मैं आपको बोलूं कि चलो भैया 9 9 9 9 और ये 9 जोड़ो तो 9 9 9 9 9 36 आएगा। इसे आप ऐसे भी कह सकते हो 9 × 4 = 36, मतलब जितनी बार है 1 2 3 4, ये 4 बार था तो 4 से गुणा कर दिया, 9 × 4 = 36। तो इस तरह से आप यहाँ समझ गए ना। यहाँ पर एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको सिखा देने वाला हूँ, उसे बहुत ही गौर से देख लो आँख खोल के फटाफट सभी बहुत ही प्यार से। और हाँ यार, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ना तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करिए। और एक बात और बता दें आपको, ये वीडियो सप्ताह में हमारी कोशिश होगी आपको 5 दिन हम देंगे, 5 दिन देंगे, लेकिन हो सकता है व्यस्तता के कारण आपको 3 ही वीडियो मिल पाएँ सप्ताह में। 3 दिन जब मिलेंगे आपको डिसाइड कर दिया जाएगा, अभी तो फिलहाल 5 दिन के लिए चलेगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि 7ों दिन आपको वीडियो मिले, मतलब हर दिन आप पढ़ पाएँ, जल्दी से जल्दी सीखें, तो उसके लिए आप PVR स्टडी का ऐप डाउनलोड करिए, जहाँ पर ऑल वीडियो आपको मिल जाएंगी। गूगल प्ले स्टोर पर जा करके PVR लिख करके और स्टडी लिखो और सर्च करो, फट से डाउनलोड कर लो, ठीक है, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये आप समझ गए कैसे करना है पूरा, हाँ, बाकी YouTube पे आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो बहुत सारी क्लासें मिलती रहेंगी, जो भी लेट लपेट। देखो यार, इसमें मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताने वाला था जीरो की। जीरो को किसी भी संख्या में अगर हम गुणा करते हैं तो उसका उत्तर हमेशा क्या आता है, जीरो ही आता है। और अगर किसी भी संख्या से जीरो में गुणा करते हैं तब भी इसका आंसर जीरो आता है, चाहे कान इधर से खींचो चाहे उधर से, दर्द बड़ा तेज उतने होता है, ठीक है, दर्द बड़ा होता है ना। हाँ, इसके आगे अगर मैं बात करूँ इधर साइड में, ज़रा देख लो ध्यान से, अगर मैंने कहा कि जीरो को किसी संख्या में जोड़ते हैं
तो वही संख्या आती है जिसमें उसको जोड़ा जाता है, या फिर किसी संख्या में जीरो को जोड़ा जाता है तब भी वही संख्या आती है, क्योंकि इसको जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, समझ लो ईमानदारी से, ठीक है। तो ये हो गया गुणा और जोड़ का कॉन्सेप्ट। घटाने की अगर बात करें तो जीरो से किसी भी संख्या को घटाया नहीं जा सकता है, और अगर जोड़ने की बात करें वो गुणा की नहीं उल्टा, 5 - 0, तो किसी भी संख्या से जीरो को घटाने पर उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उतना ही आती है जितना होती है। इस तरह से आप इसमें समझ गए जीरो की प्रॉपर्टी, जोड़ना घटाना और गुणा और भाग तो आपने नहीं देखा ना, भाग भी देख लो। भाग के लिए आगे ले चलना पड़ेगा। देखो जब जीरो में भाग करते हैं किसी भी संख्या से, जैसे 5 से, तो भैया ये हमेशा जीरो आ जाता है। क्या आता है? जीरो आता है। लेकिन अगर किसी भी संख्या में जीरो से भाग करते हैं तो ये अनंत आता है। अनंत मतलब इनफाइनाइट आता है, इसका कोई अंत ना हो, समझ गए ना। तो इसलिए अगर किसी भी संख्या में शून्य के भाग करनी पड़ी तो मान लो कि फिर उथल पुथल शुरू हो गया, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ये देखो कैसे, दोनों देख लो। जब हम जीरो में 3 से भाग करते हैं, जो जीरो में 3 से भाग करते हैं, जो गिनती पीछे होती है उससे भाग दिया जाता है ऐसे, ठीक है। तो 3 - 0 ये हो गया, ख़त्म हो गया, जीरो आ गया, समझ गए। लेकिन जब कहीं ऐसे इसका माहौल बन जाए तो क्या करोगे? जब ऐसे माहौल बन जाए तो इसका मतलब ये ऐसे जाएगा, जीरो का भाग 0 बार ले जाओ, यहाँ 0 आएगा, घटाओगे 3 आएगा, फिर 0 बार ले जाओ 0 आएगा, फिर घटाओगे 3 आएगा, फिर 0 बार ले जाओ 0 आएगा, घटाओगे 3 आएगा, ऐसे 3 आता जाएगा, बुढ़ा जाओगे, बचपन से जवानी से बुढ़ापा, लड़का बच्चा हो जाएंगे, सब बुढ़े हो जाएंगे, लेकिन ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ऐसे जाता जाएगा पता नहीं कहाँ तक जाएगा, समझ गए ना। तो ये कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करो यार, बड़ा ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है ये सभी, ठीक है, समझ रहे हो ना। आगे चलें फिर हम लोग, चलो गुड, ओके, बहुत अच्छे। देखो एक बात यहाँ सीख लो, जो मैं गुणा का नंबर डाला था ये भी सीख लो। किसी भी संख्या में गुणा करने का मतलब उसका पहाड़ा पढ़ना है। 3 का गुणा 3 में मतलब 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो, 3 + 1 = 3, 3 * 2 = 6, 3 * 3 = 9, ये 9 हो गया, ठीक है। अगर मुझे 9 में गुणा करना है 5 का, तो हमें 5 का पहाड़ा 9 बार पढ़ना है। 5 = 5, 5 * 2 = 10, 5 * 3 = 15, 5 * 24, 5 * 25, 5 * 30, 5 * 37, 5 * 48, 5 * 49, 45। ये गुणा का मतलब होता है पहाड़ा पढ़ना, और जिनको पहाड़ा नहीं आता है, पहाड़ा याद करना नहीं आता है, मतलब उन्हें पहाड़े आते ही नहीं 20 तक, वो कमेंट करके बताएंगे हमें पहाड़ा नहीं आता है। अभी हम नंबर भी दिखाएंगे, उस पर संपर्क करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन। तो ये हो गए पहले तरह के सवाल। ये दूसरे तरह के गुणा में ऐसे होता है 2 * 6 = 12, हाँ 12 देखो ऐसे होता है ना। तो भैया 12 का जो ये 2 था इसको मैंने यहाँ लिख दिया, इसका जो 1 है ये कैरी बचा, इसके ऊपर हो गया, ठीक है। अब फिर गुणा करो, 2 * 4 = 8, 8 + 1 कितना हो गया 9, बस ये हो गया, क्लियर। इस तरह से ये हो गया, लेकिन ये थोड़ा और बड़ा हो जाता है, 3 * 5 = 15, हासिल कितना है 1, 3 * 2 = 6, 6 = 7 और 3 * 3 = 9, कितना हो गया 975। बात समझ में आई ना, कितना हो गया 975। तो इस तरह से आपका ये क्लियर हो गया। अगर कोई आपके मन में सवाल है तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। ये आपका गुणा हो गया। इसके बाद अगर आगे हम बात करें तो क्या होगा, ध्यान से देखो कैसे। देखो यार, अगर हमने कहा कि अगर हमें ये ऐसे गुणा करना है, ऐसे 125, तो इसका तो गुणा हम जानते नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे यार, देखो इसको हम 3 बार गुणा करेंगे अलग अलग नंबर से। पहले 5 का गुणा कर लेंगे पूरे में, तो ये 5 * 25 = 5 हासिल आया 2, और ये 5 * 2 = 10, और 10 + 2 = 2, 12 * 2 हासिल आया 1, 5 * 3 = 15, 15 * 1 = 16, ठीक। पीछे से एक गिनती नीचे क्रॉस कर देंगे, अब दूसरी गिनती से गुणा करेंगे, मैंने 5 से सम में कर लिया, अब 2 से करेंगे, तो 2 * 5 = 10 = 0 हासिल 1, 2 * 2 = 4 = 5 और 2 * 3 = 6, ठीक। अब फिर पीछे से एक गिनती काट देंगे, क्रॉस कर देंगे, 1 से गुणा करो, 1 * 5 = 5, 1 * 2 = 2, 1 * 3 = 3, तो ये हो गया 5, ये 2, 5 * 5 = 10 = 16 हासिल 1 * 6 = 2 = 8 = 1 = 9 = 10 हासिल 1 * 3 = 4, समझ गए ना। देखो यार, ये जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी हो सकता है, कॉन्सेप्ट समझ लो कि हमें इसको करना कैसे है, इसको कैसे किया जाता है, ये बेसिक गुणा करने का तरीका है। इस तरह से चाहे 5 अंकों चाहे 8 अंकों, आप सभी को कर लोगे, ठीक ना। तो ये बात आपके कुछ पल्ले पड़ रही कि नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताओ, अगर आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हो तो फटाफट। भाग कई तरह के होते हैं, ये तो वेरी सिंपल से हैं यार, आप लोग बड़ा कुछ सोच रहे होंगे इनको देख के, लेकिन बहुत आसान होता है। अभी हम थोड़ा डिफिकल्ट भी क्वेश्चन करेंगे, तो आप इन्हें ध्यान से देखना, ठीक है। डेसिमल वाले भी अभी ले चलेंगे। देखो भाग क्या करते हैं, जैसे ये 21 है, ये है भैया 7,
एक्चुअली इसकी कहानी कुछ ऐसे होती है, सात का होता पहाड़ा। अगर आपको नहीं आता तो आप कमेंट करके बताना, ये ऐसे होता है, ये सात का ही नहीं होता, बहुत से पहाड़े होते हैं। तो कुछ भाग ऐसे होते हैं जो इन पहाड़ों के अंदर आ जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो इनके अंदर नहीं आते हैं। तो देखो ये है 21 और ये टेबल किससे ले जाना, सेवन से। तो देखो सेवन के टेबल में 21 आता है और संयोगवश वो तीफरे ही नंबर पे है ना, तो 1 2 3 तीफरे नंबर पर है, तो ये इसलिए ऊपर कितना ले जाते हैं, 3, और वो नंबर अगर आ गया तो ये 21 लिख देते हैं। ये तो हो गई आपकी पहले प्रकार की भाग में। इसी तरह दूसरे वाली प्रकार की जो भाग है, 12 के पहाड़ा में भी 72 आता है ना, 12 छंग 72। आप जानते हो इंग्लिश वाले 12 6 जा 72, 12 5 जा 60 है ना। तो ये तो एक बहुत ईजी हो गया, वेरी सिंपल हो गया बच्चों वाला। इधर अगर हम इसमें भी कुछ लिख दें, 126 इसके पहाड़ा में आता है क्या, 9 बार जाता है ना, 9 4 जा 36, 9 1 जा 9 और 3 12, मतलब ये बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल है बच्चों वाला है यार। चलो अब थोड़ा सा हम लेवल बढ़ाते हैं। इधर साइड में ध्यान से देखना, क्लास को एंड तक देखना, भागना नहीं अगर सीखना है तो, याद रखो। देखो ये थोड़ा सा अलग टाइप के भाग हैं, इस तरह से मैं आपको कम से कम 10 टाइप के भाग बताऊंगा, ध्यान से देखना, भाग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, गारंटी होगी। साथियों इसमें तो टेबल आता था, कट जाता था, शेषफल सब में 0 आया है, लेकिन ये दूसरे प्रकार की जो भाग है इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या है ना, इधर देखो 5 से भाग दे करके 43 लाना है। आप देखो 5 का टेबल में कहीं 43 आता है क्या, नहीं आता तो नहीं है, लेकिन हाँ उसके पड़ोस से गुजरता है। कहाँ, ये देखो ये पड़ोसी हैं 43 के, क्योंकि 43 इन्हीं दोनों के बीच में रहता है, इन्हीं दोनों के संरक्षण में, 40 और 45 के ना, यानी आप कह सकते हो कि भैया इसके टेबल में तो नहीं आता लेकिन अड़ोस पड़ोस में रहता है। तो हम ये जानते हैं कि कोई भी चीज़ ज़्यादा ना हो पाए, थोड़ा सा अगर कम रहे तो अच्छा रहता है। खाना खाना अगर 2 रोटी खा लो ठीक है, लेकिन 2 के बदले 5 मत खाना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए हम 5 का पहाड़ा 9 बार नहीं पढ़ सकते हैं, 5 9 45, लेकिन 8 बार पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम 8 बार ले जाते हैं, 5 8 40, और फिर इसको घटाते हैं 3 आता है। ये कहलाती है शेषफल वाली भाग, इसे क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। बहुत बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जो नीचे बचता है भैया इसे शेष बोलते हैं, इंग्लिश में इसे रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है, स्पेलिंग अगर कमेंट करोगे तो बता दिया जाएगा। इसे बोलते हैं भागफल, क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं, इंग्लिश में से क्वाइसियंट बोलते हैं, QUITENT, ठीक है। और ये होता है भाज्य, भाज्य होता है, ये क्या होता है, भाज्य, इंग्लिश में इसे डिविडियंड बोलते हैं, जिससे भाग करते हैं ये भाजक होता है, इसे इंग्लिश में डिवाइजर बोलते हैं। बात समझ गए ना, तो लिख भी लो, कुछ लोगों के मन में बहुत सारी बातें आ रही होंगी। हाँ डिविडेंड, ठीक है, तो ये समझ गए कॉन्सेप्ट, इस तरह से ये भी होता है। जिनको टेबल नहीं आता वो कमेंट करके बताएंगे, उनको टेबल का हम ट्रिक दे देंगे, जिससे वो कम से कम 30 40 तक का पहाड़ा तो आराम से हद कर लें, क्योंकि पहाड़ा बिना कुछ होगा नहीं, मैथ नहीं आएगी अगर टेबल नहीं आएगा तो। 18 का टेबल पढ़ो, 111, इससे 111 से ज़्यादा ना हो, तो भैया 18 दूना 36, 58 54, 18 4 जा 72, 18 5 जा 90, 18 6 जा 108, यानी 18 छक्का 108 होता है। हाँ तो ये पड़ोस में तो है 108 के ना, ये लगभग 6 बार जाएगा, 108, समझ गए, घटाओगे 3 आएगा, ये रिमाइंडर 3 इसमें भी आ गया। ये दूसरे प्रकार की भाग थी, इसको खुद से करना, भागफल कमेंट करना जितना आएगा, ठीक है, जल्दी से कर लो, जितना भागफल आएगा कमेंट करना। और एक बात बता दूं बड़ी महत्वपूर्ण है, तो साथियों इस तरह की क्लास के लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण काम करना है, नीचे ऐसे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना, बगल में घंटी की बटन आएगी इस पर टच करना, 3 ऑप्शन आएगा, सबसे ऊपर वाला क्लिक कर देना, और बगल में यहाँ पर ये ऐसे आप में मटमैला दिख रहा होगा हल्का सा, इस पर एक बार क्लिक करना, ये ब्लू हो जाएगा। आपकी क्लासें व्हाइट बोर्ड पे ऐसे होती है, ये चेहरा भी हमारा ही देख रहे हो आप, लेकिन आज मैं छुपा हूँ पीछे क्योंकि कुछ रीजन है, ठीक है, समझ गए ना, कॉपी में पढ़ा रहा हूँ। तो ये कर लोगे तो आप रेगुलर क्लास देख पाओगे, अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे, नोटिफिकेशन नहीं ऑन करोगे, ऐसे कर लोगे तो भैया नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी यूट्यूब से, इसलिए ऑल नोटिफिकेशन रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दुआ है मेरी रब से तुझे दोस्तों में सबसे मेरी दोस्ती पसंद आए। दोस्तों देखो भाई, दोस्ती पसंद आए ना है, लेकिन क्लास जरूर पसंद आए। ये होमवर्क है आपके लिए, इसको घर से कर लेना, ठीक है, इसको करना। और चलिए अब हम थोड़ा हार्ड टॉपिक लेके चलते हैं, मतलब ये तो बड़ा इजी था बच्चों वाला, लेकिन 0 लेवल से है तो भैया हम छोड़ते कुछ नहीं। देखो अगला टाइप का भाग, तीसरा टाइप क्या कहता है,
पहले टाइप में आपने देखा छोटा छोटा प्यारा प्यारा फल था, भाग जाने पे आसानी से कट गया। दूसरा टाइप में आपने देखा उसमें एक एक शेषफल बच गया था। तीसरा टाइप में देखो ये थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत आसान है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। नौ का पहाड़ा पढ़ो इसमें 198 में। आप कहोगे भैया नौ दहमा तो 90 ही ख़त्म हो जाता है, आपका दिमाग उमाग कुछ ढील है का, ये 198 कहाँ से आएगा नौ के पहाड़ा में। नौ के पहाड़ा में 198 आएगा लेकिन वो 10 के ऊपर आपको जाना पड़ेगा, नौ दहमा 90 के ऊपर जाना पड़ेगा। नौ ग्राम में 99, नौ ब्राह्म में 100 कितना होगा, 8, ही से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है तो चलिए इसमें हम क्या करते हैं ना यार, 9 का टेबल पढ़ेंगे, इसमें पूरे में नहीं ले जाएंगे, वन डिजिट में ट्राई करो। तो वन तो छोटा है बेचारा, कायल रिस्क मोल लेगा, तो ये दोनों मिलके मुकाबला करेंगे। 9 का टेबल हम 19 में पढ़ेंगे, तो आप जानते हैं कि 9 दूना 18 ये जा सकता है ना। इसमें से इसको घटाएंगे सबट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। उसके बाद बगल में देखो 8 है ना, ये 8 ऐसे लिख देंगे, उतार लेंगे जो ऊपर वाला 8 है। ठीक है पहले एक बार में तो ये 19 का मुकाबला यहाँ हो गया, ख़त्म हो गया, 1 आ गया शेषफल, फिर ये 8 उतार लेंगे और फिर जाएगा 9 दूना 18। इस तरह से देखो ये ऊपर दो बार जा रहा लेकिन कट जा रहा, शेषफल 0 आ रहा है। इसी तरह इसको भी करोगे, 12 से बन जा 84 है ना, सबट्रैक करोगे 86 से 2 आएगा, ऊपर का जो 4 है यहाँ इसके पास लिखोगे तो 12 टू जा 24। अंडरस्टूड? इसके पीछे अभी अभी इसको आपने पढ़ा था कि एक बार में भाग जाने पर कट गया था, उसके बाद एक ठे और पढ़ा था कि भैया एक बार भाग तो जा रहा था लेकिन शेषफल तब भी आ जा रहा था, उसमें भाग एक बार नहीं दो बार जा रहा लेकिन शेषफल तब भी नहीं आ रहा है, वो तीसरा प्रकार का भाग है। कॉन्सेप्ट समझो एक तरफ से। 5 नंबर देख लो, चौथा प्रकार का भाग। इसमें क्या होता है देखो, ये थोड़ा अलग है। देखो बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत छोटा है लेकिन मैं आपको हर इसका जो भी कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ। इसमें 13 का टेबल आप पढ़ोगे 53 में, आप जानते हो सभी बहुत अच्छे से कि 13 चौका 52 होता है ना, होता है 52। इसके नीचे लिखोगे, इसको सबट्रैक करोगे तो 1 आएगा, ऊपर से एक 7 यहाँ लिख लोगे, अब क्या होगा भैया, अब 13 का पहाड़ा 17 में सिर्फ एक ही बार जाएगा, ये बड़ी मुसीबत है ना। इनमें दोनों में अंतर समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इसमें दो बार भाग ले गए थे, दोनों बार क्या हुआ, पहली बार में तो शेषफल बचा था, दूसरी बार में ये कट्टा हो गया, 0 आ गया। इसमें पहली बार में भी बच रहा था, दूसरी बार में भी बच ही गया, एक प्रकार से अलग टाइप हुई भाग की कि नहीं हुई ना। बहुत टाइप है भाग के, इस तरह से कई प्रकार के भाग होते हैं, बस उसके लिए आपको हर एक क्लास को देखना होगा ध्यानपूर्वक। इसको पढ़ो, 17 का पहाड़ा 52 में जाएगा, हाँ जाएगा, 17 3 जा 51 ना, 51 इसमें से भैया जब 52 से इसको सबट्रैक करोगे तो 1 आएगा, आएगा ना, यहाँ माइनस का साइन होगा, ऊपर से 5 आप यहाँ लिख लोगे, अब 17 पहाड़ा जाएगा का, ये जाएगा नहीं जाएगा, ये तो एक अलग प्रकार की भाग हो गई यार, ये चौथी प्रकार की तो ये थी, इसे आप पांचवी प्रकार लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? टाइप 5। ये अलग है, ये टाइप 5 हो गई। कैसे? अब ये सवाल गलत है हमारा, सही नहीं है अभी जैसे है, क्यों? क्योंकि मैंने एक बार भाग यहाँ पर दिया तो 17 51 यहाँ पर लिखा, 51 सबट्रैक किया, 1 आया, फिर बाद में हमने यहाँ से क्या किया, 5 को भी यहाँ लिख लिया, लेकिन ये 17 का भाग अब भी नहीं जा रहा है, क्यों? क्योंकि अगर हम इसको ले जाएंगे 17 एकम 17 तो भैया हो जाएगा खतरा, ये घटेगा नहीं बड़ा हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बेटा बाप से भी आगे निकल जाए, हाँ फिलहाल कलयुग में सब कुछ हो रहा है तो ये ऐसा हो नहीं सकता, ये गलत है। इसको हमें यहीं तक सीमित रखना है, कहाँ तक, ये 525, 17 51 ना, ऐसे करना है, ये 1 आया, और इसके बाद क्या करेंगे इसी पे हमें रुकना है। हम जानते हैं अगर यहाँ हम 5 भी लिख लेंगे तब भी भाग नहीं जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम 17 का भाग इसमें एक बार ले जाएंगे, ठीक, क्या करेंगे एक बार ले जाएंगे, लेकिन अभी नहीं ले जाएंगे, पहले 5 को यहाँ लिख लेंगे, लिख लिया। अब आप कह रहे हो कि 17 भैया 1 बार ले जाएंगे तो 17 ज़्यादा हो जाएगा, 1 से कम ले जाओ ना, कौन कहा 1 बार ले जाओ, 0 बार ले जाओ, तो यहाँ 0 होगा, मतलब आपको खाना पूर्ति करना है, ये नहीं कि 5 यहाँ उतार लिए छोड़ दो, अगर ऐसे छोड़ दोगे तब भी गलत है, ये 525 ये 17 और ये 3 बार ऊपर लिख करके 51 और ये 15 ऐसे लिख करके 17, अगर ऐसे या फिर यहीं छोड़ देते हो इतना करके तब भी ये गलत है, खाना पूर्ति करना पड़ता है, दिखावा करना पड़ता है, इतना मतलब लास्ट में आपको 0 बार ले जा करके दिखाना है कि हाँ मैंने ऊपर से नंबर उतारने के बाद भाग दिया छोड़ा नहीं उतना, जैसे आजकल हो रहा है वर्तमान समय में कोई भी आपराधिक घटनाएं होती हैं तो उसमें कुछ दिन के लिए जो सरकारी अधिकारी उनको निलंबित किया जाता है, उसके बाद फिर वो वही ढर्रा पे आ जाते हैं,
मिक्स टाइप का लेकर उपलब्ध है। देखिए, भाग के बहाने हम बहुत कुछ सीख लेंगे, हम तो आपको पढ़ा रहे हैं सिर्फ भाग, लेकिन यहाँ आप सीखेंगे बैक में या फिर एक्स्ट्रा रूप में टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी शांत दशमलव भी आप खुद पढ़ लेंगे, समझ जाएंगे इसी माध्यम से। देखिए, आज जो हमने क्वेश्चन चुना है कुछ अलग टाइप का है, इनको क्या करना है भैया, डिवाइड करना है। तो 7 में 8 से भाग करना है। देखो, अभी तक हम लोगों ने बहुत आसान आसान सा किया था पहले, चूँकि ये चौथी पार्ट है, तीसरा दूसरा पार्ट में और भी लेवल थोड़ा लो था, तो हमने ये 12 में 3 से भाग देना ये भी किया था, लेकिन अब थोड़ा और गुंजाइश बन रही थोड़ा हार्ड की। अब बताओ, 7 में भाग तो जाएगा नहीं, 8 का जाएगा नहीं जाएगा ना? आप कहोगे नहीं गुरुजी नहीं जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, 8 दूना ले जाएंगे तो 16 हो जाएगा, अब भैया ये ऐसा भाग के नियम का कानून का उल्लंघन होगा और ये जाएगा नहीं, तो फिर क्या होगा? इससे कम ही होना चाहिए। आप कहोगे 1 बार जाएगा, 1 बार भी तो ज़्यादा हो जा रहा, फिर क्या होगा? कहोगे दशमलव बढ़ा लेंगे, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, हम पहले 0 बार ले जाएंगे और फिर यहाँ क्या होगा, 0 घटाओगे 7 आ जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा, ये यहाँ पर सीख लो, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, जैसे अगर हमें 5 से भाग करना है 3 में, तो लोग क्या करते हैं, पहले शुरुआत दशमलव बढ़ा लेंगे और भर से यहाँ 0 उतार के 5 अंक 30 कर देंगे, ऐसे लोग करते हैं ना, लेकिन वो कहीं आंसर ऐसे नहीं लिखते हैं। अगर इसका आंसर लिखना हुआ उनको, ये भैया 5 ये 30 का, तो वो क्या लिखेंगे, 0.6 लिखेंगे। अब बताओ ये 0 क्या कहीं गिफ्ट में पा गए थे क्या, कहाँ से लगाए 0, मतलब आपने 0 लगाया कहाँ से, तो सही तरीका क्यों नहीं बताते हो फिर? सीधी सी बात है, ये तरीका होता है, समझ गए ना? 1 टाइम भाग जाने पे ज़्यादा हो रहा तो 0 टाइम ले जाते हैं, फिर यहाँ लिखते हैं और यही 0 है जो यहाँ आता है। बाकी लोग इसको करते नहीं, ऐसे शार्ट में कर देते हैं, लेकिन मैं आपको हर एक स्टेप बताऊँगा। हाँ, एक बात और, क्लास पूरा देखना, भागना मत बीच में, समझना है तो, नहीं तो पल लेना पड़ेगा। 0 टाइम जाएगा, ये हो गया। अब आप कर सकते हो, 1 टाइम ले जाओगे ज़्यादा हो जाएगा, अब आप डेसिमल बढ़ाओ, 0 उतारो, 8 7 56, इसको सब ट्रैक करो, 8 2 64 भी तो जा रहा था, तो फिर कौन सी बीमारी थी, काहे नहीं ले गए? अगर जा रहा है, गुंजाइश है, तो फिर गुंजाइश नहीं छोड़ना है, ठीक ना? तो ये कितनी बार जाएगा, 8 बार जा रहा था, 8 9 72 72 ज़्यादा हो रहा था, सब ट्रैक कर लो, 6 आएगा ना। अब क्या करेंगे, फिर वही 0 उतार लो एक बार। हाँ, एक बात और याद रखना, अगर 1 टाइम ऊपर डेसिमल गया तो आप इनफाइनाइट टाइम अनंत टाइम 0 उतार सकते हो, कहीं ऐसा नहीं करोगे 1 0 उतारा फिर दशमलव लगाया, फिर 1 0 उतारा फिर दशमलव लगाया, टीका नहीं लगाना ऊपर, ये गलत होता है, दशमलव हमेशा एक ही बार बढ़ाया जाता है, याद हो गया ना? चलो यहाँ 0 उतार लो। अब 8 का टेबल 7 बार जाएगा, 8 7 जा 56, लाइट कम जल रही ना थोड़ी सी, हाँ लिख लो फट से, हो गया इतना, चलो ओके गुड, लाइट में जला देता हूँ, थोड़ी सी और भी तेज़ हो जाए, ये लो। अब क्या होगा भैया, सब ट्रैक करो, 4 आएगा, फिर 0 उतारोगे तो 8 5 40। देखो, ये थोड़ा नाटक तो किया शुरू में, लग रहा था कि नहीं कटेगा, लेकिन लास्ट में ये 0 हो गया, जाके कट गया, समझ गए ना? इसको जल्दी फिर लिख लो फटाफट। तो फिर क्या होगा, जब शेषफल 0 आ जाता है तो इस तरह की संख्या को क्या कहते हैं, इस तरह के भाग को क्या कहते हैं, इससे आप टर्मिनेटिंग डेसिमल समझ सकते हैं, ठीक है? टर्मिनेटिंग डेसिमल ये होता है, इसका आंसर हो जाएगा 0.875। ये तो एक पहला प्रकार हो गया, जो अलग अलग भाग गया लेकिन 0 हो गया। अभी इसमें कुछ ऐसे भाग आते हैं जो काफ़ी मुसीबत खड़ी कर देते हैं, ज़रा ध्यान से देखना। ये तो हो गया, लिख लो, हो गया, लिख लिए, चलो देखो बहुत फास्ट लिखा करो, चूँकि टाइम बहुत कम होता है यहाँ पे, तो क्लास लंबी ना हो जाए, इस वजह से हमारी कोशिश होती जल्दी से आप आगे बढ़िए। हाँ, इसमें अगर हम आपको कुछ और एग्जांपल देना चाहें तो आप कर लोगे? सोचो फटाफट, रहने दो, हम देंगे भी नहीं। इसके बाद टाइप नंबर 7 देखो, टाइप 7 नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिनमें 0 नहीं होता है किसी भी दशा में। अब देखो इसमें थोड़ा नॉन टर्मिनेटिंग में, इन्हें बोलते हैं अशांत दशमलव या फिर अशांत आवर्ती, ऐसे कुछ होता है, इसे हिंदी में कहा जाता है, ठीक है? देखो यार, इस तरह की जो भाग होती है ना, ये कभी भी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होती हैं, इनका फाइनल आंसर भी कन्फ्यूजन में रहता है। देखो, जैसे इसे 3 से भाग करना है तो 3 6 जा आप जानते हो 18 होगा ना, मतलब 3 6 18, सब ट्रेक कर लो 2 आएगा।
अब देखो भाग नहीं जाएगा, फिर हम ऊपर डेसिमल यहाँ पर नीचे जीरो लिख लेंगे। अब फिर से ये भाग सिक्स टाइम जाएगा और फिर से 18 हो जाएगा, सब्ट्रैक करोगे टू आएगा। अब क्या होगा, अब अगर आप नीचे देखो तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है कि भैया यहाँ पर ये फिर वही आ गया। अब फिर जीरो उतार लो, फिर सिक्स टाइम ले जाओ, फिर यही आ गया। अब हम तो परेशान हो गए, बार बार वही आ रहा, फिर जीरो आ जा रहा, तो फिर ऐसे ले जाते रहो चाहे सुबह से शाम तक, बुढ़ा जाओगे, लड़के बच्चे हो जाएंगे, बड़े बड़े हो जाओगे, लेकिन ये आएगा नहीं, कभी कटेगा नहीं, चाहे जब तक ले जाओ ट्राई कर लो, जी भर जाए। तो फाइनल में इसका आंसर क्या होगा आप जानते हो? इसका फाइनल में आंसर दो तरह लिखा जा सकता है। एक तो अगर हम सार्थक अंक और कोटिमान की जो अगर बात करें उसके अकॉर्डिंग 6.67 लगभग में लिख दिया जाएगा, लेकिन अगर इसके एक्चुअल वैल्यू की बात करें, सही सही कहीं लिखना है, तो ये 6 पॉइंट और 6 के ऊपर ये बार का चिन्ह लगा के लिखा जाता है, इसे बार पढ़ते हैं हिंदी और इंग्लिश में, समझ गए ना। ये एक पड़ी लाइन खींच देते हैं किस नंबर के ऊपर, वो नंबर जो बार बार रिपीट हो रहा है। इसको देख करके जो मैथ पढ़ा है वो समझ जाएगा कि ये बार बार क्या हो रहा है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, समझ गए। इस तरह से आप इसको कर लेना और फिर हमें कमेंट करके बता देना। ये भी सेम टू सेम वैसे है, 3 1 3, ये देखो भैया घटा लो, फिर दशमलव बढ़ा लो, फिर जीरो उतार लो, फिर 3 3 9, फिर वही, मतलब वही कहानी इसमें भी है। तो ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन इसमें एक अंतर है, वो क्या है कि जो नंबर रिपीट हो रहा है वो 6 6 एक ही नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है। अभी हम आपको आगे दिखाएंगे अलग अलग नंबर रिपीट होंगे। वैसे तो हम आपको भाग सिखा रहे हैं बचपन वाली, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आप इसमें कुछ और भी चीज़ें एक्स्ट्रा सीख ले रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग में एक अलग तरह का एग्जांपल, जब हमें क्या करना हो 7 से 1 में भाग करना हो। देखो ये भाग का टाइप है, मैं बता रहा हूँ आपको, 8वां टाइप है भाग का, याद रखना भाग का 8वां प्रकार। मैंने 7 प्रकार की भाग आपको पहले दिखा दिया, ये 8वां प्रकार देखना। इसमें भाग डायरेक्ट तो पहले जाएगा नहीं, जीरो टाइम आप ले जाओगे, सबसे पहले 1 आएगा, फिर आप डेसिमल बढ़ा करके यहाँ सुन्ना लिखोगे, अब आप 1 टाइम ले जा सकते हो, 7 1 7, सबट्रैक करोगे 3 आएगा, मतलब 3 है ना। अब क्या होगा, अब आपने एक बार दशमलव बढ़ाया था, अब आपका अधिकार है कि अब बार बार जीरो लिख सकते हो, तो 7 4 कितना हो जाएगा, ये 28 है ना, घटाओगे 2 आएगा। 1 टाइम आपने डेसिमल यहाँ पर अगर पुट कर दिया तो आप इनफाइनाइट टाइम डेसिमल वो सॉरी क्या शून्य का यूज कर सकते हैं। तो फिर से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 3 ज़्यादा हो जाएगा, 7 2 14। देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है, अगर आप गौर करो तो नंबर तो बढ़ते जा रहे हैं, मतलब कट नहीं रहा है, लेकिन अलग अलग नंबर बढ़ रहे हैं बार बार ना। अभी आगे बढ़ते जाओ आपको और कुछ मिलेगा, लेके जाते रहो, जीरो उतार लो, 7 8 जा 8 7 56 होता है ना, 56 4 आया, फिर जीरो उतार लो, नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 7 का फिर से ले जाओगे जब डिवाइड तो कितनी बार जाएगा, जल्दी बोलो फटाफट, 7 5 35 5 बार जाएगा। अब 5 आया, देखो भैया जो 5 आया था वो 50 बन जाएगा, मैं यहाँ का बात यहाँ लिख रहा हूँ ठीक। अब फिर से अगर हम 7 का भाग ले जाएंगे 50 में, तो आप जानते हो 7 7 49, घटा लो 1 आया। अगर देखो तो हम यहाँ से गए थे, यहाँ से इधर से कहते हैं ना, इधर से कान पकड़ो चाहे इधर से घुमा घुमा के सिर के ऊपर से फिर आके वही पकड़ लिए, मतलब फिर 1 आ गया और हमने भाग 1 में ही दिया था। अब फिर ये पूरी प्रक्रिया फिर से रिपीट होगी, समझ में आई बात ना। वहाँ तो एक ही नंबर रिपीट हो रहा था बार बार, लेकिन इस प्रकार की भाग में, इस प्रकार के नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में ये 6 डिजिट रिपीट होंगे, समझ में आया ना। ये आप कक्षा 9 में अच्छे से पढ़ोगे अगर ईमानदारी से हमारे साथ जुड़े रहोगे तो। तो ये लिख लो, एक प्रकार की ये भी भाग हो गई। अभी ये जा रहा है, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, 1 आया फिर से 0 लिखोगे, फिर यही प्रक्रिया रिपीट हो जाएगी। अब अगला प्रकार का दिखाएंगे, 9वां प्रकार, ध्यान से देखना और पूरी क्लास हर दिन देखिए अगर आपको समझना है, मैं सीखना है तो। आप लोगों ने कहा मैंने व्हाइट बोर्ड पर कर दिया, इसलिए मैं कॉपी में पढ़ाता था। नॉन टर्मिनेटिंग का एक और एग्जांपल देख लो, जब आप 233 को 990 से आप डिवाइड करोगे तब आपको कुछ नया चीज़ मिलेगा। वो क्या है, वो ये मिलेगा कि भैया ये बार बार जो है 5 3 5 3 5 रिपीट होगा, समझ गए ना। तो ये सब आप आगे चल के मुकाबला करेंगे क्लास 9th की मैथ में,
इसमें जो टर्मिनेट पद मतलब है जो बार बार ये रिपीट हो रहा है वो 35 है, मतलब दोनों एक साथ रिपीट हो रहा है, याद रखना। ऐसा नहीं कि 3-3 हो रहा फिर 5-5, ऐसा नहीं हो रहा, 3-5, 3-5, 3-5। तो ये मैंने आपको क्या सिखाया, यहाँ हमारा उद्देश्य आपको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग सिखाना नहीं था, सिर्फ और सिर्फ भाग सिखाना था। हमने आपको 9 प्रकार के भाग सिखाए जिसमें आप भाग करना सीख गए कि इनका भाग कैसे करेंगे। इसमें आज आप सीखेंगे मल्टीपल एंड फैक्टर, यानी कि गुणज और गुणनखंड क्या होते हैं, ये चलिए इनसे हम आपका परिचय करवाते हैं। प्यार से पहले अच्छे से ध्यान से देखना, क्लास को पूरा देखना। देखिए, आपने अक्सर सुना होगा, प्रायः देखा भी होगा, अपनी दैनिक जीवन में महसूस भी किया होगा कि भैया जो 4 है 4 ये 2×2 ऐसे करने पे आता है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, मैं दोनों को एक ही में बताऊं या अलग अलग दोनों का एग्जांपल बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। ये क्या है, 4 का, यहाँ पे चाहे आप लिख लो, ये 4 का गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है, ठीक, समझ में आई बात। और ये क्या है पता है, ये 2 का गुणज है। क्या है, गुणज है, मतलब मल्टीपल है। 2 का मल्टीपल 4 है और 4 का जो फैक्टर है वो 2 है, 2×2, ओनली 2 नहीं बोलोगे आप ना, 4 का मल्टीपल, सॉरी 4 का जो फैक्टर है वो 2×2 है, ये 4 का फैक्टर है। लेकिन अगर हम बोलें कि भैया 2 का बताओ गुणज, तो ये 4 है, समझ गए। हाँ, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि 2 का गुणज 4 इसलिए है क्योंकि 2×2=4 होता है। देखो इसे थोड़ा विस्तार से समझ लो, इधर साइड में गुणज क्या होता है, जैसे हमने एक नंबर लिखा, मान लो 2 ही लिखा है, ठीक, 2 के गुणज लिखना है। गुणज का मतलब इसका पहाड़ा, ठीक है, 2 का क्या करना है, हमें इसका पहाड़ा लिखना है। जैसे 2×1=2, 2×2=4, 2×3=6, 2×4=8, 10, ये 12, ये सभी इसके गुणज हैं, मतलब जो उसके टेबल में आएंगे 2 के वो सभी उसके क्या हैं, गुणज हैं, या फिर इन्हें आप मल्टीपल भी बोल सकते हो। जैसे 2×1=2 होता है, 2×2=4, 2×3=6, इस तरह से होता है ना, तो पूरी कहानी बस यही है, समझ गए ना। ये होता है गुणनखंड और गुणज, मल्टीपल एंड फैक्टर। जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आगे आपको कुछ और बताते हैं, हो गया इतना। चलिए अब इसमें हम आपको कुछ और एग्जांपल बताएंगे। जैसे इधर साइड में आप ध्यान से देखो, गुणनखंड में जो छोटे छोटे नंबर हैं उनके गुणनखंड बहुत आसान होते हैं, लेकिन गुणनखंड करते कैसे हैं जो थोड़े बड़े नंबर होते हैं, गौर से देखना। देखो यार, जैसे अगर मैंने 4 लिखा तो आप जानते हो इसका गुणनखंड 2×2 हो गया, अगर मैंने 6 लिखा तो आप बोलोगे 2×3 हो गया। हाँ, एक बात और याद रखना, इनके फैक्टर में हमेशा 1 सभी में होता है, ये सजिया में रहता है 1, हर किसी के साथ रहता है, ये वफादार नहीं है, समझ गए ना। कोई भी नंबर ले लो, अगर हमने 12 लिया तो ये 2×2 और 3×1। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये इनको पता कैसे है कि 2×2=3 होगा, 1 होगा, ये सब आता कैसे है, आपके मन में सवाल होगा ना, मैं बताऊंगा अभी और आगे देखते जाओ। जैसे अगर मैंने लिखा कि ये 28, तो 2×2=4, 7×28। अब जिनको नहीं आता वो सोच रहे होंगे इसमें 2, 2 और 3 लिखे थे, इसमें 7 काहे लिखे, इसलिए लिखा जाता है कि इसका जब गुणा करो पूरा पूरा तो फिर ये आ जाए, समझ गए ना, 2×2=4, 7×28 आ जाएगा ना। लेकिन ये आता कैसे है, इसको थोड़ा सा विस्तार से सीख लो। ये हेडिंग डाला गया है लेकिन मैं समझा रहा हूँ इसको, देखो ये समझ गए इतना कि नहीं, ठीक है, नोट कर लो जल्दी से या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इधर साइड बताऊँगा क्योंकि वो दूसरा हिस्सा है, हो गया, ओके। चलिए देखिए, ये गुणनखंड करते कैसे हैं, हाउ वी कैन फाइंड फैक्टर ऑफ अ बिग नंबर। पहले तो मैं आपको 28 से सिखाऊंगा, इसको ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। अब हम ये सोचते हैं कि कोई एक ऐसी गिनती बताओ, एक ऐसा अंक बताओ जिससे कि हम भाग करें 28 में तो 0 से सफल आए, 0 आ जाए। सोचो, सबसे छोटी गिनती से ही शुरुआत करेंगे, बड़ी नहीं, तो 1 से तो कोई मतलब नहीं होता क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से भाग देने पे संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वही संख्या आ जाती है, इसलिए 1 से नहीं करेंगे, हम 2 से कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि 2 से भाग करने पर ये 0 से सफल आएगा भी या नहीं आएगा, उसके लिए आपको पहले
जो इसके क्लास हो चुकी उनको सीखना चाहिए। सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य अभाज्य, पूर्णांक अपूर्णांक, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, ये सब अगर आप जानते हो तो आप बड़े आराम से समझ जाओगे इसकी कहानी क्या है। देखो कैसे, देखो यार 28 जो है ये एक प्रकार से सम संख्या है और ये भाज्य संख्या भी है। इसका मतलब अगर सम है और भाज्य भी है तो दो से पक्का कटेगी, है ना। तो इसको हम दो से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो दो एक कम दो, इसके पहले मैंने भाग बताया जस्ट पिछली क्लास में, भाग सिखाया था ना, इसलिए सिखाया था। नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में देखो, लिंक होगी उसको देख लेना, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत कर लीजिए, जिससे कि आप हर एक क्लास को इसी तरह देख सकें। बेल आइकन ऑन करना मत भूलना, नहीं सब्सक्राइब करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो 2 1 2 जीरो हो गए। अब ऊपर एक गिनती बच रही थी 8, इसको यहाँ लिख लेंगे, और 2 4 8। तो भैया ये देखो अगर आप ध्यान से, तो यहाँ हमें 14 प्राप्त होता है। शेषफल जीरो आ गया, शून्य आ गया ना, यहाँ काटो पीटो नहीं, क्या लिखो, जीरो। ओके, तो इसलिए हम 2 से यहाँ भाग करेंगे, तो यहाँ नीचे क्या आएगा, 14। हमें क्या करना है, जैसे मट्ठा घोर के घी निकालते हैं ना, उसी तरह हमें घी निकालना, बस इसको मिटा देना है, इसका कोई काम नहीं है, ठीक। मतलब 14 क्या है, घी है, आ गया। अब फिर इस तरह से आप 14 में भाग करोगे 2 से, भाग करना आपको आता है, भाग कर लेना, ऊपर 7 आएगा, लिख दोगे। ऊपर का मतलब होता है भागफल या क्वोशिएंट, बाकी ऊपर नीचे नहीं बोला करो, गणित की भाषा में भागफल बोलेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं बोलना ऊपर 7 आएगा नीचे 2 आएगा, ऐसे बोलोगे तो ये आपको गंवार समझेंगे लोग। आप क्या करोगे, 7 आ गया। अब कुछ लोगों के मन में होगा कि भैया 7 में भी 2 से भाग दे दो, तो 2 3 अच्छा ये 0 होगा ही नहीं, नहीं होगा 0, कितना आएगा, 1 आएगा। तो हम इसको 2 से भाग करेंगे ही नहीं, 3 से करो, 4 से करो, 5 से करो, 6 से करो, इसकी किसी से नहीं पड़ती है भैया, ये 7 7 से ही कटेगा, यानी 7 1 7। कैसे, मतलब ये कि 7 को 7 से भाग करोगे तभी वो 0 से शेषफल आएगा। तो ये जब लास्ट में यहाँ 1 आ जाए तो मान लो कहानी ख़त्म। हाँ एक बार आप अपनी संतुष्टि के लिए 1 से भी भाग दे दो तो कोई दिक्कत नहीं, फिर 1 आ जाएगा। बस यही क्या है, ये जो मिल रहे मोहरे इधर साइड ना, यही इसके क्या हैं, फैक्टर हैं, यही इसके गुणनखंड हैं, समझ गए ना, नोट कर लो जल्दी से। तो ये गुणनखंड हो गए 28 के, अभी मैंने यही तो लिखा था ना, 2 2 7 1, ऐसे निकालते हैं। इसके बगल में जो है भैया गुड़ज वाला, उसकी कहानी तो आप सीख ही गए हो। जैसे इधर साइड में देख लो, गुड़ज में क्या होता है, कोई भी संख्या का गुड़ज आपको बताना है तो बताओ। जैसे मैंने कहा कि चलो बताओ 18 के 5 गुड़ज बताओ, 18 के पहाड़ा में जो 5 गिनती आती कोई भी लिख दो, ये कोई ब्रह्मा ने बता के नहीं मतलब आपको भेजा है कि जाओ 18 का गुणनखंड 18 36 32 यही लिखना, नहीं। कौन सा लिखोगे, हमने मान लो लिख दिया 54 लिख दिया, 72 लिख दिया, 36 लिख दिया, 90 लिख दिया। तो ये सभी क्या है, फैक्टर हैं। क्यों फैक्टर हैं, क्योंकि इसके पहाड़ा में इसके टेबल में आते हैं। एक प्रकार से ऐसे नहीं, अगर मैं ऐसे बोलूं कि इस नंबर से यानी कि 18 से जो जो गिनती पूरा पूरा कट जाएगी वो क्या कहलाएगी, गुणज कहलाएगी या मल्टीपल कहलाएगी। नहीं, कुछ लोगों के दिमाग में ये बुद्धि बैठ रही होगी कि भैया 18 के पहाड़ा 18 धामा 180 होता है, तो यानी जो 180 के नीचे हैं, 18 के बीच में 180 के बीच में, उन्हीं से मतलब गुणज उन्हीं को बोलेंगे, बाकी नहीं बोलेंगे ना। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके ऊपर जाने के बाद भी गुणज हो सकता है। 198 भी क्या है, 18 का गुणज है, 198 इज अ मल्टीपल ऑफ 18। कैसे, क्योंकि 18 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे, देखो 18 1 18 18 1 18 11 आएगा, यानी अगर हम बोले 18 धाम्मा 180 तो 18 ग्रहम में 198 होता है, 18 ब्रह्म में। देखो भैया पहाड़ा आपको पढ़ाया जाता 10 तक, 18 जैसे कहा जाए 5 धाम्मा 50, बच्चे कहते हैं भैया बस हो गया पहाड़ा ख़त्म, धाम्मा तक होता है, उसके आगे नहीं होता है, लेकिन टेबल का कोई अंत नहीं होता है, ठीक ना। आप लोग का दिमाग हैंग ना कर जाए, इसलिए 10 तक याद करवाया जाता है कि 3 धाम्मा 30 होता है बस, अब चलो 4 का याद करो, 4 धाम्मा 40 होता है बस, हो गया इसी पर ख़त्म कर दो ना। लेकिन टेबल उसके आगे भी होता है, क्योंकि उन संख्याओं का जो गुणज है मल्टीपल है वो कभी ख़त्म नहीं होता है, जैसे इंसान की इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती ना, समझ रहे हो ना। आज पैदल चल रहे हो तो सोचोगे साइकिल होती तो अच्छा रहता, कहीं से साइकिल भी मिल गई पापा ने दिला दिया कहीं से हो गया, अब सोचोगे यार इसमें तो पैडल मारना पड़ता है, अगर बाइक होती तो और अच्छा रहता ना। बाइक मिलने के बाद ये होता है धूप भी लगती है, धूल भी उड़ती है, बड़ी मुसीबत लगती है यार, कार होती तो और अच्छा रहता है ना। तो ये सब बातें हैं जो आपको समझना चाहिए, लाइफ में भी आपको कभी ना कभी फेस करना पड़ता है।
तो ये क्या था, गुणनखंड और गुणज, मल्टीपल एंड फैक्टर। देखेंगे कि फैक्टर और मल्टीपल का यूज कैसे करते हैं और वो HCF और LCM में। साथियों LCM का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इधर लिखा है, वहीं HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF को GCF भी कहा जाता है, G का मतलब होता है ग्रेटेस्ट और कॉमन फैक्टर, तो चाहे ग्रेटेस्ट बोलें या हाईएस्ट बोलें मतलब एक है होता है। तो भैया इस क्लास को ध्यान से देखना एंड तक। तो अब हम आपको बता दें हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य, इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं ये फैक्टर, मतलब समापवर्तक। देखो यही अंतर होता है इसमें, मल्टीपल मतलब ये समापवर्तक नहीं होता, समापवर्त्य ये होता है, मतलब समझना। अब हम आपको अंतर बताते हैं कैसे निकाला जाता है लघुत्तम समापवर्त या फिर मातम समापवर्तक। देखो एक थोड़ा सा डेमो देखो इधर साइड, पहले हम इनके फैक्टर करेंगे। फैक्टर आप जानते हो कल मैंने सिखाया था 2, 2 और 1 होगा, इसका फैक्टर करोगे, फैक्टर करना जानते हो। इसमें ये गुणनखंड विधि कहलाती है, इसे भाग विधि से भी किया जाता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, पहले ये गुणनखंड विधि है। तो भैया LCM के लिए क्या करते हैं ना यार, जो नंबर दोनों में है यानी 12 में और 4 में दोनों के फैक्टर में है उसको ऐसे चुप्पे से घेर लेते हैं, हाँ घेराबंदी कर लो जो दोनों में है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो 3 जो है वो ऊपर, 3 ऊपर वाले में नहीं नीचे है, तो हम क्या करेंगे 3 को अभी नहीं लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे LCM इक्वल जितने नंबर घेरे गए हैं उनमें से जोड़ा में से एक एक निकालेंगे बस, इन दोनों में से केवल एक दो, इसमें से एक दो और इसमें से 1 ले लो या ना ले लो 1 से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन LCM में पद्धति में क्या कहता है कि भाई कोई छूटने ना पाए, जैसे 3 छूट रहा है तो इसको भी साथ में लास्ट में ले लेते हैं। आप लोग ये कहोगे फिर ये घेरने घारने से मतलब क्या हुआ, जो छूट रहा था उसको भी तो शामिल कर लिए। हाँ इससे मतलब ये हुआ कि ये 2 जो है देखो 2 बार है, ये 2 2 बार है, यहाँ पर केवल मैंने 2 बार 2 लिखा है, अगर मैं ये सब ना करता तो 1, 2, 3, 4 बार यहाँ 2 हो जाता, समझ गए ना। इनका गुणा कर लेते हैं 2 × 2 = 4, 3 = 12, यही क्या होता है LCM होता है। इसको थोड़ा और गहराई से समझ लो LCM के बारे में। LCM का मतलब वो गिनती होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो छोटी से छोटी गिनती, वो छोटा से छोटा गुणज, मल्टीपल मतलब होता है गुणज, गुणज गुणज ठीक, वो छोटे से छोटा गुणज जो इन दोनों संख्याओं से भाग करने पर पूरी तरह कट जाए। तो भैया 12 में अगर 4 से भाग करोगे तब भी पूरा कट जाएगा और 12 को अगर 12 से डिवाइड करोगे तब भी पूरा कट जाएगा, शेषफल शून्य आएगा, आएगा ना। तो ये थी कहानी LCM की। अब हम शुरू करते हैं इनके पड़ोसी भाई HCF की कहानी, ध्यान से देखना। और अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं की हो तो जल्दी से कर दो भाई तुरंत, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना जिससे कि आप बैठे बैठे घर से ही इस क्लास को सीख सकें। चलिए नंबर वही रहेगा 4 और 12, थोड़ा थोड़ा बदलेगा बस, फैक्टर वही रहेगा, भाई भाई अगर हैं ये पटीदार हैं जिन्हें बोलते हैं तो लगभग चीज़ें सेम रहेंगी ना, समझ रहे हो ना कि नहीं, ये सब वही रहेगा, घेरा भी वैसे ही जाएगा क्योंकि एक ही घर के हैं तो सारा नियम सारा कानून वही रहेगा ना, घेरा भी वैसे ही जाएगा, गोला भी वैसे बनाया जाएगा, ये लो। हाँ अंतर थोड़ा सा होगा, नाम इनका अलग होगा, भाई एक घर में अगर 2 भाई हैं तो नाम सोनू मोनू होगा ना अलग अलग, तो यहाँ क्या लिखेंगे HCF, लेकिन इनकी स्वभाव में थोड़ा अंतर है, एक नरम स्वभाव का एक गर्म स्वभाव का है। इसमें क्या था, एक एक नंबर सबका जो भी जोड़ा बना था उसमें से लिखे थे, फिर लास्ट में जो छूट रहा था उसको भी लिख लिए, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा एटीट्यूड वाला है, जो छूटता है उसको साथ नहीं लेता है, इसमें से 2 को निकाला, इसमें से 1 2 को निकाला, इसमें से 1 को निकाला और ये जो 3 छूट रहा था उसको छोड़ दिया, जाने दो हम नहीं ले चलेंगे इसको साथ, 2 × 2 = 4, बस यही आंसर हो गया, समझ गए होंगे ना, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ गए, ज़िंदगी में कभी ना भूलोगे LCM HCF अगर आप प्यार से सीख लिए हो, तब नहीं सीखे हो तो भगवान है मालिक है आपके। देखो एग्जाम्पल बदल देते हैं, अब हमने क्या किया 18 और 25 ले लिया LCM और HCF दोनों में,
चलो दोनों के फैक्टर करते हैं। फैक्टर निकालना मैं कल आपको बताया था, 2 × 4 होगा, नहीं इसके फैक्टर 2 × 2 नहीं होंगे, 2 × 3, 2 × 3 = 6, 3 × 18 × 1 ये इसके फैक्टर होंगे। देखो यार फैक्टर ये होता बाबू साहब, ये जैसे 18 लिख लिया ना, इसको उस छोटी से छोटी संख्या से भाग दो जिससे भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाए और शेषफल शून्य आए। तो 2 से भाग करेंगे तो 2 × 9 = 18 आएगा, फिर ये 2 से नहीं डिवाइड होगा तो 3 से होगा, तो ये इस तरह से ये हो जाता आपका फैक्टर 2331। ओके, इस तरह से आप 25 का लोगे तो 5 × 5 × 1 आएगा। बात समझ में आई? अंडरस्टूड? ओके, दोनों में जो कॉमन नंबर है उसको हम सर्कल करेंगे, लेकिन इसमें अफसोस की बात है भैया, कॉमन हो ही नहीं रहा यार, बड़ी दुर्दशा है, ये कॉमन नहीं है क्योंकि इसमें 2 है नहीं कहीं, 3 है इसमें, 3 है नहीं, क्या है, 1 है, ओनली 1 है, बाकी कुछ नहीं है भैया, बड़ी मुसीबत है। क्या करेंगे, एलसीएम तब भी निकालेंगे, करता मरता क्या ना करता ना। तो एलसीएम क्या लिखेंगे, आप कहोगे कोई मिल ही नहीं रहा, लिखेंगे क्या, 1 सब में मिल रहा है तो पहले तो 1 लिख लो, उसके बाद जो नहीं मिल रहा उन सब को लिखेंगे इकट्ठा ला ला के ढकेल देंगे इसे। 2 नहीं मिल रहा था, ये 3, ये 3, कोई छोड़ना नहीं एक भी ना, एक भी छूटने ना पाए, × ये 5 × ये 5। देखो एक मैं ट्रिक इस पे बताऊंगा अभी आपको, इसको पहले कर लो तब, अब सबका आप गुणा करो, अरे वही हो जाएगा गुणा, 18 × 25 में कर लो, 18 × 5 = 90, हासिल आया 9, 18 × 2 = 36, 4 = 40, 5 = 45, 450 आएगा एलसीएम ना, कर लो, 25 × 8 कितना होगा, 200, हासिल 20, 25 × 25 = 20, 45, सही है। देखो इसका एचसीएफ बिना गुणनखंड किए भी आप बता सकते थे, कैसे मैं बताऊं, देखो ये दोनों संख्याएं क्या हैं, अलग अलग समुदाय की हैं, एक हिंदू है एक मुस्लिम है। अब आप कहोगे संख्या में भी ऐसा हो गया, देखो यार उसके लिए सॉरी, मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, अलग अलग समुदाय कहने का मतलब ये अलग अलग कैटेगरी की हैं, यानी कि ये सम संख्या है ये विषम संख्या है, ठीक है, और इन दोनों में से किसी का भी जो फैक्टर है वो कॉमन नहीं है, कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। अगर कहीं इस तरह की संख्या आती हैं तो उनका एलसीएम सदैव उनका गुणनफल होता है, समझ गए ना, उनका एलसीएम निकालने के लिए आप उन दोनों का गुणा कर लोगे, बस वही क्या हो जाएगा, उसका उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया ना, इससे एक चीज़ सीख लो, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें भी हम फैक्टर वैसे ही लिखेंगे जैसे आप उसमें लिखे थे, 2 × 3 × 3 × 1, और इसमें आप करोगे वही जो आप पुराना टाइम में करे हो। इसमें भी एक बहुत बड़ा चीज़ आप सीखोगे, देखो वो क्या है, दोनों में कॉमन अगर देखो तो ओनली 1 है, इसका फंडा समझो, केवल आंसर 1 होगा बस, बाकी कुछ नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें जो दोनों में कॉमन होता वही उत्तर होता है। इसका फंडा यहाँ पे समझो, एचसीएफ में क्या कहता है कि जब दो संख्याएं ऐसी हों जिनका कोई भी फैक्टर एक दूसरे में कॉमन ना हो, उभयनिष्ठ ना हो, तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है, ओनली 1 होता है। कहते हैं जेके क्यों नहीं सहाय, ओके गणेश जी सहाय, है ना, इंसान के अजम से जब दूर किनारा होता है तो तूफान में टूटी किश्ती का एकमात्र भगवान सहारा होता है, तो बस वही हाल इनका है, एकमात्र सहारा 1 है, समझ गए ना। इस तरह का कोई भी एग्जांपल ले लो आप, छोटा छोटा सा प्यारा प्यारा सा, उनका आंसर आप ऐसे बता दो कि झटाझट, जैसे मैंने आपसे पूछा कि चलो भैया बताओ आप 3 और 5 का एलसीएम, 3 और 5 का एलसीएम आपके मुंह से फट से निकल जाएगा, गिर पड़ेगा बिना बोले ही बिना सोचे ही, 15 होगा, 3 और 5 का एलसीएम 15 होगा। वो कैसे होगा, क्योंकि 3 और 5 दोनों अलग अलग कैटेगरी की संख्याएं हैं, मैं बोलूं तो अलग अलग समुदाय की हैं, लेकिन ये थोड़ा बुरा लगता सुनने में, लेकिन मैं आपको इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए, भूलो ना कभी, ठीक है, क्योंकि ये बातें कम याद रखोगे वो ज़्यादा याद रहेंगी। तो इनका फैक्टर करोगे तो 3 1 होगा, इनका करोगे तो 5 1 होगा, है ना, दोनों में कोई फैक्टर कॉमन है 1 के सिवा, कुछ नहीं कॉमन है, इसलिए इनका जो एलसीएम है वो इनका गुणनफल होगा, मतलब 15 होगा। वहीं अगर एचसीएफ की हम बात करेंगे तो 3 और 5 में भैया इनका 3 1 होगा, इनका 5 1 होगा, दोनों में 1 मिल रहा है, तो एचसीएफ या जीसीएफ क्या होगा, 1 होगा। इसको याद कर लेना, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है आप सबके लिए, ठीक ना, समझ रहे हो कुछ कि नहीं। दोस्तों वर्गमूल को कहते हैं क्यूब रूट, घनमूल को कहते हैं क्यूब, है ना, क्यूब रूट ना, चलो इसको स्क्वायर रूट कहते हैं, इसको क्यूब रूट,
तो देखिए, इसके पहले हमने आपको फैक्टर बताए थे। फैक्टर मीन्स गुणनखंड। जैसे ये मैंने लिख दिया नंबर फोर और ये ऐसे लिखा है ना, इसका मतलब ये है वर्गमूल। ये वर्गमूल का चिन्ह है, नंबर कुछ मत लिखो। और ये घनमूल का चिन्ह है, समझ गए ना अंतर? समझो, वर्गमूल का चिन्ह अगर कहीं लगा होगा तो इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा होगा, सिर्फ ऐसे डंडा बना होगा बस, जो भी है टेढ़ा मेढ़ा। इसमें भी ऐसे ही बना होगा, लेकिन अगर कहीं घनमूल का चिन्ह होगा तो इस पर तीन लिखा होना ज़रूरी है। अगर तीन नहीं लिखा तो मतलब उसका घनमूल नहीं निकालना है। हाँ, या फिर इसके बगल में लिखा होगा का घनमूल निकालिए, लेकिन फिर भी इस पर तीन लिखा होना ज़रूरी है, तभी शुद्ध माना जाता है। बाकी कुछ स्कूलों में या कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं अंडर रूट, जैसे आठ इसके बाद का घनमूल बताइए, तो भी लोग कर लेते हैं, लेकिन अगर उस पर तीन लिखा होता है तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। मेन उसका जो मतलब सही तरीका वही है। देखिए, किसी भी संख्या का अगर हमें वर्गमूल निकालना है या घनमूल निकालना है तो पहले उसका फैक्टर करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे मैंने लिखा फोर, तो पहले हम क्या करते हैं साथियों, फोर का फैक्टर करते हैं। जैसे टू इंटू टू है ना, फोर होता है, और फिर टू का डिवाइड करोगे ये वन। इसको मैं फैक्टर मैं पढ़ाया हूँ पार्ट नंबर फोर या थ्री या फाइव में, जो भी है देख लेना पिछला क्लास, डिस्क्रिप्शन में देखो लिंक मिल जाएगा, ठीक है? ओके, और नहीं मिलेगा तो कमेंट करना। तो साथियों, होता क्या है, जब इसको हम ऐसे बना लेते हैं उसके बाद उस नंबर को लिख करके उसके फैक्टर को उसके सामने लिखते हैं, उसके बाद हमको क्या करना है, हमको निकालना है वर्गमूल। इसमें दो दो डिजिट का पेयर बनाते हैं। क्या करते हैं? पेयर, जोड़ा नहीं बोलना। जोड़ा तो इंसानों में होता है, जोड़ी बनती है ना, यहाँ जोड़ी नहीं बनाना है, यहाँ पेयर बनाते हैं। तो जब ये पेयर बन जाएगा तो क्या होगा, इस पेयर से एक नंबर बाहर निकलेगा और वही क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। ये वन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वन का वर्गमूल घनमूल जो कुछ भी करो ये सार्वजनिक बिरादरी में रहता है, वन ही आएगा, तो इससे कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन अगर वन की जगह कोई और नंबर छूट रहा है तो फिर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, कदापि नहीं होगा, समझ गए ना? तो ये एक छोटा सा डेमो था वर्गमूल का। घनमूल का देख लो साइड में, देखो फोर का घनमूल निकालोगे तो नहीं निकलेगा। मैं इसी की अगर बात करूँ घनमूल का, तो ये नहीं निकलेगा, क्योंकि घनमूल के लिए क्यूब रूट के लिए हमेशा तीन तीन का पेयर बनना जरूरी है, महत्वपूर्ण है, मतलब नेसेसरी है, ठीक? चलो, तो इसमें मान लो हमने लिख लिया एट। अब एट के आप फैक्टर करोगे, फैक्टर करना आप सभी सीख चुके हो। टू फोर जा एट, टू टू जा फोर, और ये टू वन जा टू। ओके, अंडरस्टूड ना? चलो, इसमें थ्री थ्री का पेयर बनाएंगे। आप कहोगे वन तो छोड़ दिए, वन ले लो तब भी कोई मतलब नहीं, उसको छोड़ ही दो तो अच्छा है। तो ये क्या होगा, टू टू का वन ही पेयर बना है ना, वन से अधिक तो नहीं बना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आप ऐसे लिख सकते हो क्यूब रूट एट इक्वल टू। ये होता है वर्गमूल और घनमूल का बेसिक कॉन्सेप्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, ध्यान से देखो एकदम ध्यान से। चलो आगे बढ़े, जल्दी लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, और वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि आप हर दिन पढ़ाई कर सकें, और बेल आइकन जरूर ऑन करना, नहीं तो क्लास नहीं मिलती फिर भाई। अब इसमें बहुत ही ध्यान से समझिए, थोड़ा सा मैंने बड़ा नंबर लिया है, 144 का स्क्वायर रूट करना है यानी कि वर्गमूल करना है, और 512 यानी कि 512 का क्या करना है, घनमूल करना है, क्यूब रूट करना है, बहुत ही ध्यान से समझना। साथियों, सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे, फैक्टर आपको पहले सिखा चुका हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। फैक्टर करने के बाद हमें कुछ ऐसे ही नंबर प्राप्त हो जाएंगे, उसके बाद क्या करते हैं, वैसे तरीका तो ये है कि इसको नीचे लिखा जाता है, जो भी फैक्टर आते हैं नीचे। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना, ठीक है, बहुत अच्छे। तो भैया, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे चिन्ह लगा के 144 का इसके आगे इन नंबरों को लिखेंगे। 22 देखो यहाँ 4 टाइम आया है, कितनी टाइम आया है, 4 टाइम, मतलब 4 बार आया है। वहीं 33 कितना बार आया है, सिर्फ 2 बार आया है। इसको लिखने के बाद क्या करेंगे, इसके दो दो के पेयर बनाएंगे ये, और एक एक पेयर से एक एक नंबर चुन लेंगे। इसमें से 12 निकल जाएगा, इसमें से 1 और इसमें से 3, तो 2 × 4 = 12। ये सब का मल्टीपल कर लेंगे, वही क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो इस तरह से आपने वर्गमूल को सीख लिया। अगर हम बात करते हैं घनमूल की, जो साइड में मैंने देखो फैक्टर किए हैं, अब इसको मैं थोड़ा सा हटा दूं चाहे तो, लेकिन आप लोग लिख लो, नहीं हटाऊंगा, ठीक है? जैसे यहाँ लिखा हूँ, ऐसे आप 5
वन टू लिख करके इसके नीचे ऐसे पूरा सब कुछ करोगे, सब कुछ करने के बाद ऐसे पेयर भी बनाओगे जैसे अभी दिखाया था पिछले सवाल में, उसके बाद उसमें एक अंतर होगा, पेयर आप तीन तीन का बनाओगे, दो दो का नहीं बनाओगे, बस इतना अंतर करना है। तो यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ डायरेक्ट, देखो इसमें रेड से मैं दिखाता हूँ, इसमें थ्री थ्री डिजिट का पेयर बनाओगे चूँकि ये घन मूल है। ओके, ये देखो तीन तीन का पेयर बनाओगे तो संयोगवश इसमें तीन पेयर बन गए और एक एक पेयर से एक एक नंबर निकलेगा, इसमें से एक, इसमें से एक, सब में से एक एक निकलेगा, सबका गुणा कर लो, दो दूना चार दूना आठ, कितना होगा आठ, समझ गए ना। तो इसको नोट कर लो फटाफट, जल्दी करिए जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सकें। कह रहा पहला क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर को मीटर एवं किलोमीटर में बदलिए। देखो इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट होता है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इस क्वेश्चन का हल दिखा दूं तब, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, हम जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर यानी 100 सेंटीमीटर होता है, इसे याद रखना, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम देखें तो 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर इक्वल 1/100 मीटर होता है, ये आपको याद रखने हैं टॉपिक जो भी मतलब मैं बता रहा हूँ इसका। अभी मैं आपको बेसिक बता दूंगा, क्लास को पूरा देखना कि ये आता कैसे है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर में 1/100 ये मीटर, ये आता कहाँ से है ये मैं आपको बताऊँगा, लेकिन पहले अभी जिसका काम है यहाँ पर उसको याद कर लो, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करें 1 किलोमीटर की, तो आप जानते हो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और भैया जब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 किलोमीटर में अगर हम सेंटीमीटर देखें तो 1 लाख होगा, कितना होगा 1 लाख सेंटीमीटर, ये याद रखना। अभी मैं इसका बेसिक बताऊंगा, ये आता कहाँ से है वो भी दिखाऊंगा, लेकिन क्लास को एंड तक देखना। चलो पहले क्वेश्चन कर देते हैं, कह रहा 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए एवं किलोमीटर में। तो चलो ठीक है, यहाँ पे हल, 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए, यहाँ पे आप फार्मूला लिखो, चूँकि इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं जानते हो, इंग्लिश में शायद इसे बिकॉज बोलते हैं, ठीक है, बिकॉज 1 सेंटीमीटर इक्वल 1/100 मीटर, देयरफॉर मतलब इसे हिंदी में इसलिए बोलते हैं, ठीक है, इसलिए 5 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 5 × 1/100 मीटर। अब इसी को आपको करना है हल, आपका उत्तर आपके सामने आ गया, इसे काट दो तो ये हो गया 1/20, कितना मीटर, 1/20 मीटर। इसे दशमलव में जब हम बदलेंगे, आप जानते हो इसे भाग करेंगे काटे पीटेंगे तो पॉइंट में जाएगा ये, तो कितना आएगा पता है आपको, पॉइंट में आएगा तो ये 0.05 मीटर आएगा। इसे हल करने का आसान तरीका समझ लो, इसको काटना नहीं है, अगर काट दोगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, 20 से आपको इसको भाग करना पड़ेगा, 0.05 आएगा ये, ठीक है। इसे अगर हम ना काटे होते तब कैसे बनता, इधर देख लो, जैसे देखो हम लिखे थे 5 × 1/100 ना, तो भैया ये बन जाता 5/100 ना, यही बनता ना यहाँ जब मैंने काट दिया था। तो क्या करते इसमें ना, देखो नीचे 2 जीरो है ना, तो ऊपर वाली गिनती वैसे लिख लेते जो भी है, नीचे 2 जीरो है तो इसमें 2 अंक पर दशमलव लगाते, एक अंक ये पहले से है, एक क्या लगा देंगे, 1 जीरो मिला देंगे, मतलब ये 2 अंक हो जाएगा, और 2 अंक पर क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो इस तरह से आपका ये 0.05 बन जाएगा, ये आपके लिए थोड़ा ज़्यादा ईजी बनता, ये मीटर हो गया। लेकिन अभी तो इसमें से हमारा केवल एक ही क्वेश्चन हुआ है, इसमें 2 क्वेश्चन कह रहा था, 5 सेंटीमीटर को मीटर में मैंने बदल दिया, इसका आंसर 0.05 मीटर आ गया। अब हमें इसको बदलना है किलोमीटर में, तो चलो ठीक है किलोमीटर में अब हम इसको बदलते हैं। देखना, हम जानते हैं चूँकि 1 सेंटीमीटर इक्वल कितना हो जाएगा, अगर इसे किलोमीटर की बात करें, 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर में 1/1 लाख, 1 लाख मीन्स 50, ये सेंटीमीटर होगा, वो सॉरी किलोमीटर होगा, याद रखना, मतलब 1 सेंटीमीटर में 1/1 लाख किलोमीटर। तो क्या कह रहा था,
पाँच सेंटीमीटर था ना, तो रख दो 5 × 1/100000, बस गुणा कर लो फटाफट, तो क्या हो जाएगा, ये 5 × 5 0, हाँ बस हो गया ना। अब क्या करोगे, देखो नीचे 5 0 है, 0.5 अंक पे लगाओगे, हमारे पास सिर्फ एक अंक है 5, 5 अंक पर 0.5 लगाने हैं, एक अंक है, 4 अंक इसके आगे बनाओगे, ये बात समझ गए, ये कितना आ गया, ये आ गया भैया किलोमीटर में, यानी 0.0005 किलोमीटर, बात समझ गए ना, इसे स्पष्ट देख लो, इसके आगे 4 0 लगेगा 5 के आगे, तब फिर क्या है, 5 है, फिर यहाँ पॉइंट है, तो ये आपका पहला हो गया। लेकिन आपके मन में एक सवाल आया होगा, यार ये आता कहाँ से है, ये सब कैसे याद होगा, ये जो चार पांठी लिख दी अभी इतने में ही बस नहीं होने वाला है, इस तरह का अभी बहुत सारे सूत्र आएंगे, तो इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा मैं आपको बता दूँ। देखो उसको तो मैं बताऊँगा, लेकिन अब जो मैंने आपको सिखा दिया है उस पर आधारित इसको करना, सभी को किस में बदलो, सभी को मीटर में बदलो, मीटर और किलोमीटर में, ठीक है, इसे घर से करना, ये इसके लिए जो मैंने बताया उस पर आधारित आपके लिए होमवर्क है, देख रहे हो ना 6 क्वेश्चन है, इन सब को आपको बदलना है किस में, मीटर और किलोमीटर में बदलना है, जैसे कॉन्सेप्ट मैंने ऊपर बताया उसी तरह से मैं एक बार फिर से दिखा दूंगा, ये याद कर लो, ठीक है, इसी तरह से आपको करने हैं इन सभी को, जितने भी मैंने दिखाया 6 क्वेश्चन नीचे होमवर्क के लिए, इसे करना, फिर चलो आगे हम आपको कॉन्सेप्ट भी बताते हैं। देखो ये 7 प्रमुख राशियाँ हैं, इनको आपको याद करना है, इन्हीं में अदली बदली होती है, अगर मीटर वाला देखोगे चाहे चाहे आप ग्राम वाला देखोगे, किलोग्राम वाला मतलब एक प्रकार से बोलें तो दूरी, भार, या फिर जो लिक्विड यानी लीटर वाला, ये किसी भी स्थिति में आप इसको लेके चलोगे तो यहीं तक आपका ये आएगा, ठीक है, ध्यान से देखना और पूरा देखना, तो सब के लिए यहाँ पर अलग अलग स्थिति होगी। चलो हम सबसे पहले दूरी के बारे में मानते हैं कि हम दूरी के बारे में समझ रहे हैं, किलोमीटर मीटर सेंटीमीटर ये हम करने वाले हैं, ठीक है, चलो 1 2 इनकी सबकी नंबरिंग करो, 3 और ये क्या है 4 एंड ये 5 और ये 6 और 7, 7 है, इन्हीं 7 को याद करना है, इन्हीं में अदली बदली होती है, ठीक है। अब लेकिन एक अभी मैंने आपको बताया था कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, अब ये आता कैसे है इसमें मैं यही बताने वाला हूँ इस लाइन पे कि ये 100 सेंटीमीटर आता कैसे 1 मीटर में, ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 ये मीटर होता है, लेकिन ये याद कैसे करें हम, सब में अलग अलग होता है, किसी में 100 होता, किसी में 1000 होता, किसी में 10 होता है, तो यही कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, बस एंड तक देखना। देखो हमें ज़्यादा काम लगता है मीटर और सेंटीमीटर का, है ना, और ये किलोमीटर का, 3 हम ज़्यादा सुनते हैं, बाकी ये हेक्टो डेका डेसी मिली ये कम सुनाई पड़ता है, मिली जो है बहुत छोटी इकाई है, इसमें बहुत छोटी छोटी इकाई नापी जाती है, इसका काम बहुत कम लगता है आपकी लाइफ में, बाकी ये सेंटीमीटर डेसीमीटर इसका यूज होता है, कपड़ा वगैरह खरीदते हो मीटर में नापता है, अगर कहीं जाते हो दूरी किलोमीटर में नापते हो, है ना, ये तो सुनते हो, लेकिन ये छोटी छोटी जो है बातें आपके लिए ज़रूरी हैं। चलिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर कैसे होता है, ये भैया ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है, मीटर से सेंटीमीटर का घर जो है पास में ही है, पड़ोसी हैं, लेकिन बीच में एक लोग और भी हैं, समझो, मतलब मीटर ये हैं, इनके बाद में सेंटीमीटर का घर है, लेकिन बीच में एक लोग और मिलते हैं, तो इनकी नंबरिंग कर लो, कहाँ से, जहाँ से शुरू कर रहे हो यहाँ से तो मत करो, यहाँ से कर लो, चलो 1 और ये 2, मतलब किस नंबर पे हैं, मीटर से अगर हम लें तो ये सेंटीमीटर कितने नंबर पे आता है, यहाँ से इसको नहीं गिनना, यहाँ से 1 2 दूसरे नंबर पे आ रहा ना भैया, यहाँ से तो हम चल ही रहे हैं, यहाँ क्या गिने, यहाँ 0 है, चलो यहाँ क्या है 0 0 1 2 दूसरे नंबर पे आ रहा है ना, क्या है ये मीटर है ना, तो यहाँ लिखो 1 मीटर, ठीक, यहाँ भी क्या लिखो 1, ये सेंटीमीटर लिखो, लेकिन ये किस नंबर पे आ रहा है, 1 2 दूसरे नंबर पे आ रहा ना, तो इसके बाद 2 0 लगाओगे, बस यही याद कर लो, बाकी कुछ नहीं याद करना है, ठीक है। अगर हम मिलीमीटर की बात करें, भैया ये तीसरे नंबर पे आ जाएंगे 0 1 2 3 तीसरे नंबर पे ना, तो यहाँ पे ऐसे लिख दो 1 मीटर इक्वल 1, यहाँ पे ये मिलीमीटर लिखो और यहाँ पे तीसरे नंबर पे थे तो यहाँ 3 0 लगाओ, बस याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपको बड़े आराम से खुद ही याद हो जाएगा, समझ गए ना। अगर हम बात करें कि 1 मीटर में
आपसे पूछें कि भैया कितना सेंटीमीटर होता है, तो सेंटीमीटर तो आप समझ ही गए। अगर मैं पूछूं डेसीमीटर, एक मीटर में कितना डेसी, कितना डेसीमीटर, तो ये तो बगल है नंबर एक, सिर्फ एक ना, तो यानी यहाँ एक जीरो, यानी एक मीटर में 10 डेसीमीटर, एक मीटर में 10 डेसीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 1000 मिलीमीटर। ये तो आप समझ गए भैया, मीटर के ऊपर वाली कहानी जो है वो हो गई क्लियर। लेकिन अब नीचे मामला फंसता है, इसमें कैसे करोगे कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर कैसे आता है। चलो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हमें जाना है यहाँ पे क्या, ऊपर से, अभी नीचे से ऊपर, हम हर जगह नीचे से ऊपर जा रहे हैं इसलिए आपको इस तरह बता रहे हैं। अभी ऊपर से नीचे भी आएंगे लेकिन वो अलग बताएंगे। अब हमें किलोमीटर से कहाँ जाना है, मीटर। चलो यहाँ से काउंटिंग करो, 0, 1, 2, अब ये 3, अब वो 0 नहीं रह गया, उसकी कहानी ख़त्म हो गई चूँकि उसका यूज ख़त्म हो गया। 0, 1, 2, 3 तीसरे नंबर पे आ रहा ना, तो यहाँ पे लिखो, क्या लिखोगे, 1 किलोमीटर इक्वल क्या करना है, मीटर में ना, 0, 1, 2, 3 तीसरे पे आ रहा ना, तो भैया यहाँ 3 जीरो लगा दो बस, यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। अगर बात करें 1 किलोमीटर में कितना डेका मीटर, तो लिख दो, चलो 1 किलोमीटर बराबर एक, क्या ये डेका मीटर, 0, 1, 2 दूसरे नंबर पे आ रहा ना, तो भैया 2 जीरो लगा दो, यानी 1 किलोमीटर में 100 डेका मीटर। देखो याद नहीं करना आपको, केवल ये याद रहे, गुनगुना लो बस, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, ये 7 राशियाँ याद कर लो, जहाँ भी काम लगेगा एग्जाम में, रफ पेपर में भी ऐसे खींच लेना, खींचने के बाद सारी कहानी यहाँ पे निकाल दोगे इसी से, समझ गए ना। इसको रटना नहीं है, रटने पे याद नहीं होगा। अगर हम बात करें कि 1 किलोमीटर में कितना, कोई भी निकाल दो इसमें से, अगर डेसीमीटर की बात करें, सेंटीमीटर की बात करें, चलो ये भी निकल जाएगा भैया, यहाँ तक 3 हुआ था ना, ये चौथे नंबर पे आ गया डेसीमीटर, भाई यहाँ 3 था, यहाँ चौथा हो गया, यहाँ एक हो गया पाँचवा, और यहाँ ये हो गया छठवा, मतलब मिलीमीटर। सबसे बड़ी इकाई किलोमीटर और सबसे छोटी इकाई मिलीमीटर, जहाँ तक हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं लाइफ में। तो अगर बोलें 1 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर, मिलीमीटर मतलब एम एम, आपने देखा होगा अक्सर जब हम लोग दरवाज़ा वगैरह लेने जाते हैं, कभी देखा होगा लकड़ी वगैरह की नाप एम एम में करते हैं, कहते हैं कितनी मोटी पलाई भाई लगी है, तो 9 एम एम, जैसा आप जानते हैं जो आपके वाइट बोर्ड पर पढ़ाया जाता है उसमें, जिसमें लोग लिखते हैं, हम लोग लकड़ी का वाइट बोर्ड बनाते हैं, उसमें 9 एम एम की पलाई लगी है। एम एम का मतलब जानते हो, बहुत छोटा, ठीक है। तो अगर कहें 1 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर, तो 6 हो रहा है ना, तो यहाँ एक के बाद 6 जीरो लगाओगे, कितना लगाओगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो लगाओगे, 4 हो गया, 5, 6, इसे गिनोगे तो 10 लाख हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 लाख, 10 लाख, मतलब 1 किलोमीटर में 10 लाख मिलीमीटर होता है। कितना होता है, 10 लाख मिलीमीटर। हर चीज़ का यूज अलग अलग होता है। किलोमीटर का प्रयोग आप बड़ी दूरी नापने के लिए करते हैं, जैसे सड़क की दूरी या फिर किसी शहर की दूरी, एक शहर से दूसरे शहर, जबकि ये मिलीमीटर की जो मतलब प्रयोग है, इसको हम बहुत छोटी इकाई नापने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे आप देखे होंगे मिलीमीटर में एक प्रकार से, अगर कोई आप नक्शा वगैरह बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा यूज होता है, मतलब छोटी छोटी इकाई, क्योंकि जगह कम होती है। और वैसे हम कपड़ा वगैरह की नाप में भी इसका यूज करते हैं, है ना। तो आगे चलें, ये पूरी कहानी तो आप समझ गए, लेकिन कहीं कहीं उल्टा हो जाता है। जैसे यहाँ 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर ना, अगर आपसे पूछा जाए कि भैया ये 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, तब क्या करोगे। देखो अब इसमें कुछ हम आपको बताने वाले नहीं हैं, बस वही याद रखो। जैसे अगर ये है 1 किलोमीटर में 100 डेकामीटर, अब आपसे हम पूछें कि 1 डेकामीटर में कितना किलोमीटर, तो ये मतलब यहाँ से इधर आ रहा है, ये उधर जा रहा है, तो जो ये 100 था ना, वो 1/100 कर दो बस, 1/100, मतलब नीचे कर दो, 100 को ऊपर 1 कर दो, बस इतना ही अंतर करना, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है ना, समझ गए, ऐसे ही करना है आपको। चलो आगे बढ़ें, इस तरह से आप सब कर लोगे। अगर बोलें 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अगर हम आपसे बोलें कि भैया 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, तो 1/100 ये मीटर, बस हो गया, समझ गए ना। तो बस यही कहानी थी, इसके आगे इसमें और कुछ भी नहीं है ज़्यादा, बस आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है, समझना है, उसके बाद और कुछ नहीं करना है। अब हम इसमें आपसे कुछ और भी क्वेश्चन करवा लेते हैं। चलिए, हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 जो है वो क्या होता है भैया, सेंटीमीटर होता है,
क्वेश्चन नंबर अगर पहला मैं बोलूं कि 7 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो कर लोगे ना, ऐसे लिखोगे चूंकि 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर, इसलिए 7 मीटर इक्वल 7 × 100 इक्वल 700 ये सेंटीमीटर। समझ गए ना, ये छोटे छोटे क्वेश्चन लगाने के तरीके हैं। अगर मैं इसी में और भी कुछ बता दूं आपको कि 12 किलोमीटर में कितना मीटर, 12 किलोमीटर में कितना मीटर, तो आप इसे बड़े आराम से कर ले जाओगे। कैसे, देखो ऐसे जैसे आप लिखोगे 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करोगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो यहाँ लिखोगे क्या, 12 किलोमीटर था ना, 12 किलोमीटर इक्वल 12 × 1000 बराबर ये 12000 मीटर। समझ गए ना, कितना आसान है। अब्बू कोला सारा क्वेश्चन खुद से कर लोगे, बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट सीख जाओ, तरीका सीख जाओ, बाकी आपको क्वेश्चन कहीं भी मिले, किसी भी तरह मिले, तो आप इसे कर सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को इंग्लिश में भिन्न कहा जाता है, तो ये भिन्न होती क्या है, इसके संबंध में हम थोड़ा आपको गहराई से अनुभव कराते हैं। आप सोचिए, बचपन में आपने देखा होगा या फिर आप इस अवस्था में देखे होंगे, तरबूज आपने देखा होगा, तरबूज आपने देखा है, तरबूज को लोग प्रायः काट कर खाते हैं। कैसे काटा जाता है, गोला भी तरबूज होता है, लंबा वाला भी होता है, मतलब उसकी आकार कई तरह के होते हैं। या फिर आपने कद्दू देखा होगा, उसको भी काटा जाता है ना, तो आप इसको तरबूज मान लो या कद्दू मान लो, कुछ भी मान लो, तो क्या होता है इसका, मान लीजिए कि ये क्या है, चलो कद्दू सब देखे होंगे, तरबूज ना देखे होंगे, तो इसका हमने एक पार्ट किया, कितना मान लो, इसको आधे आधे से काट दिया, चलो ठीक है इतना काट दिया, अब क्या होगा, इसके दो पार्ट हो गए। अब इसका एक भाग अलग हो जाएगा, जो वो कुछ ऐसे बनेगा, कैसे बनेगा, मैं नीचे नहीं उसी में दिखा देता हूँ। देखो हमने काट दिया तो ये कितना बन जाएगा, ऐसे, मतलब इसका क्या हुआ, ये काट दिया मैंने, पूरा था जो आधा हो गया। अब इसको हम क्या कह सकते हैं कि उस पूरे तरबूज का या पूरे कद्दू का जो भी था, कद्दू को देसी में कोहड़ा बोलते हैं, उसका ये कितना भाग है बताओ भाई। सिंपल सी बात है, ये 1/2 है। ऐसा क्यों होता है पता है, ऐसा इसलिए होता है कि किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ को जितने भाग में तोड़ते हैं, नीचे उतना नंबर लिखते हैं और ऊपर हमेशा क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। ये बात याद रखना, अगर कोई एक वस्तु है तब ठीक। जैसे अगर मैं बात करूं, एक छोटा सा चित्र बनाऊं, ये मान लो छोटा कद्दू है, अभी इसको हमने क्या किया, एक भाग में बीचों बीच से नहीं काटा, इसको हमने एक बार बीचों बीच से काटा, उसके बाद इसमें जो दूसरा टुकड़ा था उसके भी 2 भाग कर दिए। अब इसको हमने कितने भाग में काटे हैं, आप गिनो, 1, 2, 3 भाग में काटा ना। अगर आपसे पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि ये कितने भाग हैं कैसे, तो आप कैसे बताओगे, आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट बनेगा। आप ये मान लो कि चलो 4 भाग कर दिया, अब आसान होगा है ना। तो भैया देखो ये पूरा कितना था, एक था ना, पूरा एक था, और कितना है ये, इसमें से हर एक की अगर बात करेंगे तो 1/4 है, सब आपस में क्या है, अपने में 1/4 है, प्रत्येक भाग क्या है, 1/4 है। लेकिन इसको कुछ दूसरी भाषा में समझो, अगर ये 1/4 है टोटल का, ये 1/4 है, जैसे अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, घर है, ज़मीन है, जायदाद है, जो भी है, आपके पापा की नाम की है, आप 4 भाई हैं, तो अगर 24 बीघा ज़मीन है, बीघा जानते हो ना, बीघा हिस्सा, तो 4 भाई हैं तो 6 6 बीघा आएगा ना, 6 × 24, यानी उसके 4 पार्ट हो जाएंगे ना, उसी तरह से इसको मान लो। इसको थोड़ा और आसान भाषा में समझिए, अगर मान लीजिए कि हमने इसको कलर कर दिया, इस पार्ट को हमने क्या किया, कलर कर दिया, बहुत ध्यान से समझना, इसको मैंने कलर कर दिया और इसमें मैंने एक भाग को और भी कलर कर दिया। अब अगर हम आपसे पूछें कि ये बताओ इसमें से टोटल कितने भाग को कलरफुल बनाया गया है, टोटल उसको भिन्न रूप में दिखाओ, तो आप भिन्न रूप में कैसे दिखाओगे, आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही होंगी। देखो टोटल ये कितने पार्ट में कटा था, टोटल ये 4 पार्ट में था, उसमें से हमने कलर कितना किया, 2 पार्ट को कलर किया है, तो जितना कलर किया उस नंबर के लिखेंगे, टोटल कितने पार्ट थे उसको लिखोगे, यानी हमने क्या किया, 2/4 भाग को कलरफुल कर दिया है। 2/4 भाग का मतलब जानते हो, इसको हल करोगे 1/2,
वन अपॉन टू मतलब आधा, और वैसे भी देख लो आँख से अपनी दृष्टि से तो आधा कलरफुल हुआ है ना। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा बदलाव हो जाए, और वो क्या हो जाए, थोड़ा सा बदलाव हो करके अगर इसमें ऐसे कर दो, आप ध्यान से समझो, ऐसे हमने बनाया था, इसमें हमने क्या किए थे भैया, चार पार्ट कर दिए थे, लेकिन कलरफुल पार्ट मैंने ओनली वन किया था। अब अगर आपसे हम पूछें कि कितना भाग कलरफुल है, उसे भिन्न रूप में लिखो, तो भिन्न रूप में आप कैसे लिखोगे कलरफुल भाग को, सोचो, बहुत आसान है। टोटल कितने पार्ट हैं इसके, टोटल फोर है ना, टोटल फोर हैं, तो नीचे फोर लिखो, और कलर हमने कितने भाग को किया है, वन, तो ऊपर वन लिख दो बस। यानी इस भिन्न के, इस आकृति के, इस वस्तु के वन अपान फोर भाग को कलरफुल किया गया है। अगर इसे आप कद्दू कोहड़ा या तरबूज मान रहे हो, तो इतना अगर काट के निकाल लिया गया ब्लैक वाला, तो आपसे हम पूछें कि भैया ये बताओ इसमें से कितना भाग काट के निकाल लिया गया। ये अगर ये तरबूज था खाने वाला, या फिर कुछ भी चीज़ थी ऐसी जिसमें से हमने इतना भाग को काट करके निकाल लिया, मान लो ये बिस्किट है, बहुत अच्छा है, एक ही बिस्किट है, आप लोग बड़े ईमानदार हैं, अपने भाइयों को दोस्तों को भी शेयर कर रहे हैं, उसी में से आपने चार पार्ट कर दिए। अब ये जितना काट के निकाला गया इस आकृति से, कितना निकला है, वन अपान फोर भाग निकल गया। बात समझ में आई ना, यही होती है भिन्न, इसकी परिभाषा होती है कि जब किसी भी संख्या या वस्तु के किसी भाग को उस संपूर्ण संख्या या वस्तु से संबंध प्रदर्शित किया जाता है, तो इस क्रिया को भिन्न कहा जाता है। जैसे कि मैं संबंध प्रदर्शित कर रहा हूँ कि भैया इस कटे हुए टुकड़े का जो रिलेशन है इस पूरे से, वो क्या है, वन अपान फोर है। बात समझ में आई ना, तो यही होती है फ्रैक्शन, आप समझ गए। इसके बाद इसका जोड़ना घटाना गुणा भाग तो आपको बहुत सारे चैनल पे मिल जाएगा, बहुत लोग बताएंगे, लेकिन आपको ये चीज़ कोई नहीं बताएगा जो मैं बता रहा हूँ। यानी ये सब लोग ज़रूरत नहीं समझते हैं, बल्कि ये आपकी ज़िंदगी में रेगुलर यूज होता है। आप हिस्सा बंटवारा करते हैं, आज देख रहे हो लॉकडाउन में बड़ी मारकाट हो रही है, ज़मीन के लिए गोली चल जा रही, लात मुक्का सब चल रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको इसके संबंध में जानकारी भी नहीं होती है, तो आपको सीखना ज़रूरी है। हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप YouTube पे देख रहे हैं और मैथ सीखना चाहते हैं, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है PVR स्टडी। फ़ोन करते हैं, भैया वीडियो देखा हूँ मैं, लेकिन कहाँ देखे हो नहीं पता है, तो फिर ऐसे करोगे नहीं क्लास देख पाओगे, इसलिए सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन करिए। मैथ में कुछ भी नहीं आता, टेंशन नहीं लेना है, गारंटी हमारी होती है आपको मैथ पक्का आएगी, पक्का आपको मैथ आएगी, और बहुत अच्छे से आएगी। आपकी जो फीलिंग अंदर से ना खुद को लेकर के कि हमें मैथ नहीं आएगी, हम बहुत कमज़ोर हैं, हमारे दिमाग ही नहीं है, भगवान ने मुझे बुद्धि दिया ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है। धरती पर जो भी प्राणी मौजूद है उसमें इंसान सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, और भगवान ने वहाँ पर बराबर बराबर हिस्सा में सबको बुद्धि दिया है, लेकिन जो जितना ज़्यादा यूज करेगा उसकी बुद्धि उतना तेज चलेगी, और जो बैठा रहेगा वो गोबर हो जाएगा। गोबर मतलब जान रहे हो ना, एक ही जगह पर, दूसरे जगह नहीं जाएगा। तो चलो आगे, ये हो गई बात इतनी, तो भिन्न आप समझ गए। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा डेमो दिखा देते हैं, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्न का जोड़ना घटाना कैसे होता है, और इसके संबंध में और भी आप गहराई से पढ़ सकते हैं, उसके लिए आप प्रीमियम क्लास ज्वाइन करें, क्योंकि ये तो डेमो क्लास है भैया, 10-15 क्लास चलेगी, उसके बाद फिर आप फिर से शुरू से आ जाओगे। तो अगर अच्छे से मैथ सीखना तो आप ज्वाइन कर लें, और नहीं तो फिलहाल यूट्यूब पे तो हम आपको ऐसे देते रहेंगे बहुत सारी क्लासें, आप सीख पाओगे, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा, इस तरह से टाइम ज़्यादा लगेगा। तो दो तरह की भिन्नें होती हैं। हाँ, पहले बात कर लेते हैं ये क्या है। इस तरह से जो लिखा जाता है उनको, ऊपर वाली गिनती को अंश बोलते हैं, नीचे वाली गिनती को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। इंग्लिश में इसे न्यूमरेटर कहा जाता है, न्यूमरेटर, और इसे क्या कहा जाता है, डेनोमिनेटर, मिनेटर, ठीक है। जब हर यानी कि डेनोमिनेटर इक्वल होता है दो फ्रैक्शन का, उनको जोड़ना हो तो बहुत आसान होता है, लेकिन अगर ये अलग अलग हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, तब थोड़ी मुश्किल हो जाती है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ दोनों स्थितियों में कैसे होता है। जैसे अगर मान लेते हैं हम कुछ पल के लिए, है ना, कुछ पल के लिए मतलब आप समझ गए, 1/2 में हमने 1/2 जोड़ा, इसे क्या करना, ऐड करना है। तो इसमें सबसे इजी होता है, जो नीचे नंबर इक्वल है उसको ऐसे लिख लो प्यार से, ऊपर वाले नंबर को जो भी है उसको ऐसे लिखो, बीच में जो साइन है ऐसे लगाओ, और बगल वाला नंबर भी लिख लो, दोनों जोड़ लो और उत्तर ले लो 2/2। इसको सिंपलीफाई कर लो अगर आपको आता है, तो नहीं आता इसी पे छोड़ दो, जोड़ना हो गया, लेकिन ये कम्प्लीट आंसर नहीं है। इसको सिंपलीफाई करोगे तो 1 आएगा, यही कम्प्लीट आंसर है, ठीक है। ये हो गया जब भिन्नों के हर बराबर हो।
दूसरी अवस्था एक होती है जब भिन्नों के हर बराबर नहीं हो, ये अलग अलग नंबर हो, तब कौन सी मुसीबत होती है वो भी आप देख लो यहीं पर अपनी आंखों से ही। देखो कैसे, अगर ये अलग अलग है, अभी मैं इसमें दूंगा आप उसे करना, तो इसके दो तरीके होते हैं, एक तो एलसीएम होता है, एक होता है तिरछा गुणा करना। तो एलसीएम नहीं आता तो कमेंट करना, आपको एलसीएम दे दिया जाएगा, वीडियो देख लेना, पिछली क्लास में मैंने बताया था तीसरी चौथी में, आप उसे जरूर देखना, इसका जो शून्य से शिखर वाला मैथ है, ठीक है। तो भैया इनका अगर हम एलसीएम की बात करें तो 6 आएगा, एलसीएम कितना आएगा 6। अब जो एलसीएम आया है उस संख्या में पहली भिन्न के हर से भाग करेंगे, मतलब 6 में 2 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, है ना। और जो यहाँ आएगा ना इसको पकड़ के गुणा कर देंगे झट से उसके अंश में, मतलब हर से भाग किया जो प्रोडक्ट मिला उसका ऊपर वाले में गुणा कर दिया तो 3 × 3 धन। वही प्रक्रिया अगले में भी करेंगे, 2 से 3 से भाग करेंगे 6 में तो 2 आएगा, और 2 को पकड़ के ऊपर गुणा कर देंगे 1 में तो 2 हो जाएगा। इस तरह से ये 5/6 आएगा। बात समझ में आई ना। एक बात और हम आगे आपको पढ़ाएंगे, अगर आप क्लास को रेगुलर और कंप्लीट देखेंगे, इसमें होती हैं सम भिन्न और विषम भिन्न, जिसे क्रमशः इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं भैया, इंग्लिश में जानते हो आप, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जिस भिन्न का हर बड़ा होता है अंश छोटा होता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है, और जिस भिन्न का हर छोटा होता है ये अंश ऊपर वाला बड़ा होता है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही मिश्र फ्रैक्शन बनते हैं, जिनको सही बटा में ऐसे लिखा जाता है, ये क्या है, ये मिश्र फ्रैक्शन है। आप समझ रहे हो, नहीं आ रहा समझ में, तो नोट कर लो जल्दी से, और बातों को हमारे सुनने और समझने की कोशिश करिए, ठीक है। आज जो कल आपने पढ़ा था ये भिन्न, इनमें कुछ हम अभ्यास आपको करवाएंगे, थोड़ा बहुत 2-4 क्वेश्चन रिपीट करेंगे, उसके बाद कुछ अगला लेवल लेके आपको चलेंगे थोड़ा नेक्स्ट लेवल पर, ठीक है। और पढ़िए कहीं से भी कभी भी, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, इस तरह से आपको बहुत सारी क्लास मिलती रहेंगी। तो दोस्तों इस फ्रैक्शन में हर बराबर है, यानी डिनोमिनेटर इक्वल है, तो ऊपर के जो नंबर हैं यानी 3+5, इसको वैसे लिख के और एक बड़ी लाइन खींच के दोनों में से एक जगह लिख दिया जाता है, दोनों को ऐड कर देते हैं 5, 3, 8 और ये 2, ये हो गया आंसर। लेकिन इसमें क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब इसका हर छोटा है अंश बड़ा है, तो इसको इससे भाग करेंगे तो 2 × 8 = 4 आएगा, और ये आंसर हो जाएगा फाइनल में उत्तर। बात समझ में आई। इस तरह से दूसरी भिन्न जो आप देख पा रहे हो ये भी वैसे ही है, एक बड़ी लाइन खींच के नीचे लिख लो 7, क्योंकि दोनों में 7 इक्वल है, ऊपर 1 और +2 जैसे था वैसे लिख दो, दोनों को ऐड कर दो फटाफट, 2 × 1 कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 3 × 5 = 7। आप लोग इनको कर लोगे, लेकिन नीचे वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा आपका दिमाग घुमा देता है कि भैया ये अलग टाइप का है, इसको कैसे करेंगे, बड़ी मुसीबत वाला है ना ये, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। इसके दो तरीके हैं, एक तो एलसीएम वाला है, एक है क्रॉस मल्टीपल तिरछा गुणा, हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 3 × 5 में गुणा करो कितना हो जाएगा 15, और बीच में धन का चिन्ह है तो धन लगा दो, प्लस 3 × 5 में हो गया ना, अब 4 × 1 में करो ऐसे, तो 4 × 1 = 4, और फिर लास्ट में क्या करोगे, नीचे नीचे 4 × 3 = 12, ये हो जाएगा, जोड़ोगे तो 15 × 4 = 19/12। अब ये कटेगा तो नहीं आपस में, लेकिन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका फाइनल आंसर अगर अच्छी तरह से आपको लिखना है शुद्ध रूप में तो आपको भाग देना होगा 19 में किससे, 12 से, तो 12 × 12 घटाने पे कितना आएगा 7, तो इसे आप क्या लिखोगे पता है आपको, क्या लिखोगे, सही बटा में इसको लिखोगे ना, आप लोग बताओ क्या लिखोगे, 7 सही 1/12 बोलो, 7 सही 1/12 लिखोगे, या फिर 1 सही 7/12 लिखोगे, या क्या लिखोगे बताओ, सोचो, इसे लिखोगे 1 सही 7/12, क्या लिखोगे, 1 सही 7/12, मतलब आप ये समझ लो भैया कि जो ऊपर जाता है भागफल उसको सही बटा में लिखते हैं आगे, और जिससे हम भाग किए होते हैं वो नीचे हर में रहता है, और जो शेषफल बचता है वो अंश बन जाता है। मतलब इसका ये है कि 1 जो है इसमें पूर्णांक आ रहा है, बाकी 7/12 भिन्न के रूप में ही अटका हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्रैक्शन। इसके बाद इसे आप नोट कर लो जल्दी से, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाता हूँ, आगे बढ़ता हूँ लेकर के आपको। इसी में अगर ये 2 से अधिक पद हैं तो क्या होगा, 2 से अधिक पद हैं और इनके हर जो हैं वो बराबर हैं, हर क्या हैं बराबर हैं, तो इसमें कोई मुसीबत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है, वैसे ही करना जैसे आप सीखे हो। ऊपर वाला तब भी सबको जोड़ना है, क्या क्या है, 3 × 5 × 1 × 2, 2 नहीं है 4 हैं,
और बटा का है दो। ऊपर का सबको जोड़ना है, तरीका वही है सब, ज़्यादा है तो ज़्यादा बार जोड़ोगे बस। तो 3, 5, 8, 1, 9, 9, 4 कितना हो जाएगा, 10, 3, 13/2, 13/2 आया ना। इसको आप भाग करके मिस फ्रैक्शन में चेंज करोगे, जैसे मैंने इसको किया है, कर लेना भाग, ठीक है, 2 से 13 में 13 में। और अब इसको तो आप कर लोगे, तो इसी पर आधारित नीचे मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इनको घर से ट्राई करिए और फिर जैसे हो आपकी स्थिति आप हमें उसे ज़रूर बताइए, क्योंकि अभ्यास बहुत बड़ी चीज़ होती है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी होता है। तो इनको आप कर लेना और फिर कैसा आपको फील होता है आप उसे ज़रूर बताना, ठीक है, इनको करना, ये भी आप कर लेना घर से, जल्दी नोट करो। देखो मुंह फैला के देखने से काम नहीं चलेगा, अगर आप ईमानदारी से पढ़ना चाहते हो तो वीडियो को हर दिन ऑनलाइन देखिए, और कोई भी वीडियो यूट्यूब पर डाउनलोड नहीं करेगा। अगर आप वीडियो को डाउनलोड करोगे तो फिर यूट्यूब पर क्लास नहीं मिलेंगी, इसको याद रखना, और हर एक वीडियो को लाइक करोगे तो रिकमेंडेशन में अपने आप क्लास आएंगी आपके सामने, ठीक है। तो वीडियो कोई डाउनलोड नहीं करेगा, हर कोई ऑनलाइन देखेगा। कोई वीडियो अगर आपको नहीं मिल रहा है इनमें पार्ट से, तो ऊपर नंबर है उन पर संपर्क करो, मिल जाएगा। लेकिन ये मत सोचो कि मैं उसको डाउनलोड करके रख लूँ, ऑफलाइन देखूँ, हमेशा देखता रहूँ, ऐसा करता ही मत करो, ठीक है। चलें आगे, ये होमवर्क है, हो गया, जल्दी से वीडियो को रोक करके लिख लीजिए, अगर आप नहीं लिख पाए तो वीडियो को रोक लो। तो अगर साथियों हम अगले स्टेप में इसमें आगे बढ़ें तो क्या मिलेगा हमें, वो देखो। अगले स्टेप में क्या है कि इन्हीं फ्रैक्शन में अगर हर बराबर ना हो तो बड़ा लफड़ा होता आगे चल के। वो कैसे, जैसे अगर 1/2 और 1/4, पहले 2 ही वाला देखते हैं। वैसे ये तो मैं बता दिया हूँ ना, आप सीख लियो ना, हाँ। थोड़ा हार्ड लेवल में चलें क्या, चलो आप मान लो ये 12 है और ये मान लो भैया क्या है, 42 है। अब थोड़ा बड़ा हो गया तो ऊपर भी क्यों ना हम बड़ा कर लें, चलो ये मान लो इतना हो गया। अब इनको कैसे हल करेंगे, देखो ये 42 हो गया, ऊपर 12 हो गया, ऐड करना है, गिनती बड़ी बड़ी लग रही ना। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं यार, तिरछा गुणा करना काफ़ी महंगा पड़ता है, क्योंकि 42 में 13 का मल्टीपल करो काफ़ी बड़ी गिनती आएगी, हम तिरछा गुणा नहीं करेंगे। अब LCM मस्ट है, 12 और 42 का LCM करो, LCM करना आप सभी जानते हो, देखो करके देखो, 12 × 2 = 24, 12 के पहाड़ में तो 42 आता भी नहीं है, वो छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों संख्याओं से कट जाए, हमें लगता है 84 होगी क्या, देखो LCM करना भी मैं शार्ट में बता देता हूँ। LCM आप जानते हो करना कि नहीं, ऐसे काटो, 2 से काटो, 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4, फिर 2 × 3 = 6, 3 × 3 = 21 और 7, 2 × 2 = 4, 12 × 7 = 84, कितना आएगा, 84 LCM आएगा। तो भैया LCM हमने लिख लिया 84, आप क्या करेंगे, 84 में आप 12 से भाग करो, 12 से भाग करोगे 84 में, 12 × 7 = 84, 7 आएगा, 7 का गुणा आप 13 में करोगे तो 13 × 7 = 91, डन। 42 से डिवाइड करो 84 को, LCM को इससे डिवाइड करो हर से, तो कितना जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 का 12 में गुणा करोगे 24 आएगा, यू अंडरस्टूड, आया ना। अब क्या करोगे, जोड़ लो, सिंपल सी बात है, ऊपर ऊपर का ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा 4 × 5, ये 9 × 2 = 11 और ये हो जाएगा 84। देखो ये आ गया एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, आप इसे डिवाइड करो, काटो पीटो लिखो, देखो ऊपर वाला जो नंबर है भैया वो विषम संख्या है, ऑड नंबर है, नीचे वाला सम है, इवन नंबर है, तो ये दोनों कटेंगे नहीं आपस में, इन दोनों में अलग अलग समुदाय का मामला है। तो भाग दे करके आप इन्हें सही बटा में चेंज कर लोगे, यानी मिस फ्रैक्शन के रूप में, जैसे यहाँ भी आप इसको काट सकते थे, छोटा हो जाता तो हो सकता वो नौबत ना आती, लेकिन आपको सिखाना था। तो 2 बार तो जाएगा नहीं, 1 टाइम जाएगा, आप जानते हो 15 से 4 गया कितना आएगा, 5 से वैसे भी कट जाता, ये 31 आएगा, कितना आएगा 31, क्योंकि 16, 15, 31 होता है, जो ऊपर गया है ना वो नीचे आ जाएगा, 1 सही 31/84 आएगा, कितना आएगा, 1 सही 31/84 इसका आंसर आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, देखो अगर आपको अच्छे से मैथ सीखना है ना तो हमारे साथ बने रहिए और हर एक क्लास को रेगुलर देखिए, मैथ में आपको कोई हरा नहीं सकता यार, ईमानदारी से अगर आप पढ़ोगे तो मैथ में हम गारंटी लेते हैं आप मैथ में मास्टर बन जाओगे, जो ना समझ में आएगा कमेंट करना। लेकिन आप जीरो लेवल मैथ का ये जो शून्य से शिखर वाला सीरीज है ना, इसको पूरा देख लीजिए, तब इसमें कम से कम 500 वीडियो मिलते हैं अगर आप अच्छी तरह मैथ सीखना चाहते हो, हाई स्कूल तक या उसके ऊपर तक। तो ये तो यूट्यूब पर आप थोड़ा मोड़ा देख लेते हो, 4 से 8, 10,
अभी आप ट्रेलर देख रहे हो मूवी में आ जाओ पहले, ठीक है। ट्रेलर जानते हो 2-3 मिनट का होता है, वैसे ये क्लास 10 मिनट की हो रही। मूवी देखते हो 2.5-3 घंटे की होती है, तो ये क्लास कम से कम 150-200 घंटे की होगी अगर आप अच्छी तरह देखोगे। तो उसके बाद हमने लिखा 27/9 मत लिखो, 10 लिख लो, प्लस 18/15 इनको बताना, ठीक है। इसी तरह से इसको भी करोगे, इसको भी ऐसे ही करोगे जैसे इसको किए थे, सेम टू सेम। जहाँ यहाँ 2 बार जुड़ा है ये 3 बार जुड़ेगा, बस कर लोगे ना। बात समझ में आ रही ना, बहुत आसान होता है यार फ्रैक्शन। ये जीरो लेवल मैथ हो सब बहुत आसान है। अगर आपको मैथ में नहीं आता कुछ तो टेंशन नहीं लेना, बस उम्मीद बना के रखना। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अपनी मंजिल को तुम अंधेरे में, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो आप तो इंसान है ना, नोट करिए जल्दी से इनको। अगर आप लिखते चलोगे तो बहुत मज़ा आएगा और आप बहुत कुछ सीख सकते हो। ये होमवर्क मैं दे रहा हूँ आपके लिए, इनको हल करना, हल करके उत्तर कमेंट करना इसी वीडियो में आकर के। उत्तर कोई व्हाट्सएप पे नहीं भेजेगा, इसी वीडियो में आकर के उत्तर कमेंट करना, बहुत ही प्यार से लिखना, ठीक है। चलो इनको हल करना, ये होमवर्क है। होमवर्क नहीं करोगे बच्चा लोग तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो होमवर्क भैया ज़रूर करो, होमवर्क नहीं करोगे तो बहुत गड़बड़ है, क्योंकि बिना अभ्यास के कुछ होता नहीं है। करत करत अभ्यास से जन्मत हो तो सुजान, है ना, जन्मत हो तो सुजान और रसरी आवत जात से शिल्पे परत निशान। सुने हो इसको, मतलब अगर एक रस्सी भी आप धागे की पत्थर पे लगातार रगड़ते हो तो उस पर भी निशान पड़ जाता है, वो भी कट जाता है। एक रेशम का धागा से भी पत्थर कट सकता है, तो फिर आपकी प्रयासों से ये मैथ का जो पत्थर है कैसे नहीं कटेगा, अवश्य कट जाएगा। आज हम घटाना सीखेंगे। भिन्न दो प्रकार की ये जो भी होती हैं, मुख्य रूप से हर बराबर ना बराबर वाली, इनको हमने आपको सिखाया है। इनको घटाएंगे कैसे, जैसे जोड़ते हैं वैसे ही सेम टू सेम घटाने वाली प्रक्रिया होती है, बस थोड़ा सा आपकी फीलिंग अलग हो जाती है बस। तो जो नीचे नंबर इक्वल है उसको एक बार लिख लेते हैं, ऊपर जो अंश में है उसको वैसे लिख के चिन्ह वही लगाते हैं, नंबर लिखते हैं, घटाते हैं जो बचपन में पढ़े हैं, उत्तर आ जाता है। लेकिन ये तो बच्चों वाला खेल है, अब आप जिस अवस्था में पहुंचे हो उससे भी आपको निपटना होता है। ये इन तरह के सवालों को करने का बहुत आसान तरीका है, नीचे जो नंबर है बड़ी सी लाइन खींच के उसको नीचे लिखते हैं, 2 बार लिखा था एक ही बार कर देते हैं अगर बराबर होता है तब। ऊपर जो नंबर है 8 उसको ऐसे लिखेंगे, माइनस लगाएंगे 3 है तो ये 3 ऐसे लिखेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। ये तो तरीका है बहुत आसान वाला, छोटा सवाल, लेकिन मुसीबतें आपकी तब बढ़ जाती हैं, सांसें थोड़ा थोड़ा तेज तब हो जाती हैं जब इनमें थोड़ा अंतर हो जाता है। ऐसा नहीं कि आप बच्चे हैं, आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, इसमें कुछ तो बच्चों के मम्मी पापा भी हो जाते हैं, तब भी उनको मुसीबत होती है। तो ये कोई परेशानी की बात नहीं है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। लेकिन अगर आप सीखना नहीं चाहते हो तो ये आपके लिए सबसे बड़ी परेशानी है। देखिए अब इसमें अगर हर ये बराबर ना हो तब हम क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये मुख्य सवाल है ना। इसमें दो तरीका होता है, पहला एक होता है एलसीएम लेकर के हल करना, दूसरा होता है क्रॉस मल्टीपल तिरछा गुणा करना, ये वाला। तो भैया अगर गिनती छोटी छोटी है तो आप तिरछा गुणा आसानी से कर सकते हो, लेकिन अगर बड़ी बड़ी हैं तो एलसीएम लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि उन्हें गुणा गुणा करके थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो तिरछा गुणा वाला कर लो, 3 का 3 में गुणा कर लो 9 आएगा, माइनस 7 का 2 में कर लो कितना आएगा, 14 आएगा। लेकिन आप यहाँ पर बहुत कुछ समझ रहे होंगे ये कि ऐसा काहे हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो भिन्न है ना भैया पहले वाली, ये छोटी भिन्न है या बड़ी भिन्न है, इसलिए इसका उत्तर माइनस में आएगा। तो मैं क्यों ना करूँ इसको सीधा कर दूँ, नहीं तो पहले पहले अभी आप सीख रहे हो, है ना, आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो 2/3, 3/7 उसको कर लो, हाँ 2/3, 3/7 ये लो। अब सही है, तिरछा गुणा करो, 7 दूना कितना हो जाएगा, 14 माइनस 3 तिरका ये 9। बात समझ में आई, 7 का गुणा 2 में, 3 का 3 में, तिरछा गुणा बोलते हैं। फिर इसमें कर लो 3 का 7 में 21, घटा लो 14 में से 9 गया, 9 5 14 होता है, आपका ये कितना मिल जाएगा, 5/21। ये होता है तिरछा गुणा वाला तरीका। इसमें एक एलसीएम वाला मेथड होता है, वो भी देख लो, बहुत ही ध्यान से देख लो प्यार से। एलसीएम में कैसे करते हैं देखिए, एलसीएम वाले मेथड में साथियों हम लोग ये काम करते हैं ना, नीचे दी गई संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। देखो मैं हल कर रहा हूँ इसी सवाल को एलसीएम मेथड से,
तो 3 और 7 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना नहीं आता तो कमेंट करके बताना एलसीएम है कैसे आएगा। ऐसा नहीं कि गुणा कर लिया था कैसे हो गया, मतलब सबका एलसीएम गुणा करने पे आता है। गुणा करके एलसीएम तब आता है जब दोनों संख्याएं अभाज्य हों, वो आपस में किसी भी तरह से संबंधित ना हो, तब गुणा करके आ जाता है। 21 हो गया ना। अब जो एलसीएम आया है उस एलसीएम में पहली भिन्न का हर पकड़ते हैं, मतलब 3 उसी से भाग कर देते हैं, तो 3 सते कितना आएगा 21। भाग करने के बाद जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है, मतलब मुख्य रूप से भागफल प्राप्त होता है, उसको पकड़ करके क्या करते हैं, इसके साथ इसका शादी करवा देते हैं, है ना, मतलब गुणा करवा देते हैं। तो 7 दूना कितना हो गया 14। बात समझ में आई। 7 2 जा 14। अब बीच में माइनस का चिन्ह था तो माइनस लगा दिया, वही प्रक्रिया अगले में भी करेंगे। अगले में क्या करेंगे, 7 का आप भाग करोगे 21 में तो 3 आएगा, 7 3 21, और 3 का 3 में गुणा करोगे तो 9 आएगा। आप कह रहे होगे यहाँ जो आया था ससुरा वही थे हूँ आ रहा, फिर काहे लिए ऐसा कर रहे हो, क्योंकि दोनों का तरीका अलग अलग मैं बता रहा हूँ ना। आएगा भाई उत्तर वही आएगा। मैथ तो एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, अगर कोई भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है सही तरीके से कर रहे हो, चाहे 18 तरीके से करो, उत्तर वही आएगा। जैसे अगर आपका फ्रेंड का, गर्लफ्रेंड का, या फिर किसी का घर है कहीं एक जगह और जाने के रास्ते कई हैं, आप किसी कारणवश दूसरे रास्ते से जा रहे हो, पहुंचोगे तो वही ना, अलग तो नहीं कि दूसरे किसी के यहाँ पहुँच जाओगे, बात समझ रहे हो ना। तो बस वैसे इसमें है, उत्तर वही आएगा, सिर्फ धरने अलग अलग हो जाएंगे, तरीके अलग हो जाएंगे, रास्ते अलग हो जाएंगे, बस इसमें घटाओगे तो क्या आएगा, वही जो वहाँ आया था 5/21। तो ये दोनों मेथड में से कौन सा मेथड बेस्ट लगा कमेंट करके बताना। इसके लिए अगर ये सही है तो क्यू लिखना, अगर ये आपको ज़्यादा अच्छा लगा तो पी लिखना, पी या क्यू में से दोनों में से कुछ ना कुछ लिख करके कमेंट जरूर करना, ठीक है। आगे बढ़े हम, तो भैया ये तो वो सवाल थे जो बचपन में आप सीख चुके थे जब आप बहुत छोटे थे, और अगर आप गाँव से बिलोंग करते थे तब आप मिट्टी में ही बैठ के पढ़ाई करते थे, है ना। लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि जो भी इसे देख रहे हैं वो उसी अवस्था वाले हैं, बाकी आजकल वाले तो स्टूडेंट काफ़ी स्मार्ट होते हैं, क्योंकि वो स्मार्ट ही पैदा होते हैं, है ना। चलिए अब क्या देखेंगे, अब इसमें हमें ये देखना है कि जब 3/7 - 2/4 - 1/3 तीन पद वाली भिन्न दिया हो तब क्या करेंगे, तब भी वही मुसीबत आएगी, वैसे इसमें भी करेंगे चलो। लेकिन हाँ एक बात ये है, इसमें तिरछा गुणा करोगे तो आपके लिए दिमाग और चढ़ जाएगा, आपका खिचड़ी बन जाएगा। इसका इसमें करा, इसका इसमें करा, फिर इसका इसमें करा, इसका इसमें करा, फिर उसी में कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि इसका किसमें करा, है ना। तो तिरछा गुणा नहीं करेंगे इसमें, एलसीएम करेंगे, ओनली एलसीएम। 7 4 और 3 का एलसीएम करो। देखो ये एक दूसरे से किसी प्रकार के संबंधित नहीं है, तो ये भैया चाहती हैं 12 फते 84, इनका एलसीएम कितना आएगा 84 आएगा, कितना आएगा 84। अब एलसीएम में पहली भिन्न के हर से भाग करेंगे, जो नीचे गिनती होती है इसको हर बोलते हैं, वो बैल से खेत जोतने वाला हर नहीं, हर और अंश भिन्न में होता है, जिसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहा जाता है। तो 7 से भाग करोगे 84 में, आप जानते हो 12 7 जा 84 होता है, तो 12 से मल्टीपल करोगे 3 में, तो 12 3 जा कितना होता है 36, जिसे देसी भाषा में 12 3 36 बोलते हैं, है ना। हाँ तो 7 से भाग किया 12 आया, 12 3 36 हो गया, जो चिन्ह लगा था उसको ऐसे लगा दो प्यार से। उसके बाद फिर वही प्रक्रिया अगले में भी करोगे, 84 में 4 से डिवाइड करो, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 21 आएगा, 21 का मल्टीपल 2 में करोगे तो आप पाओगे 42। ओके अब क्या होगा, आगे बढ़ते चलेंगे। 3 से भाग करो किस में 84 में, 384 में भाग करने पर वही संख्या प्राप्त होगी जो इनका दोनों का गुणा करने पर प्राप्त होगी, बस ऐसे समझ लो। 7 से भाग करने पर वही संख्या प्राप्त होगी जो 4 3 का गुणा करने पर प्राप्त होगी, 4 से भाग करने पर वही संख्या प्राप्त होगी जो 7 और 3 का गुणा करने पर प्राप्त होगी, हल में एलसीएम में ही होता है, ठीक। तो भैया 7 चौक 28, 3 से भाग कर लो इसमें तब भी 28 आएगा, 3 2 6 और कितना हो जाएगा 3 सते, मतलब समझ रहे हो कि नहीं, ठीक ना। चलिए फिर आगे बात करते हैं, हाँ वो क्या है, इसको हमने आपको बता दिया, ये हो गया इतना है 2 तक। तीसरे पे बात करते हैं, 3 से भाग करोगे भैया इसमें तो कितना आएगा, भाग करके देख लो, 3 2 6 नहीं जाएगा क्या यार, 3 3 9, 3 2 6 और 3 8 24 ना, 28 आएगा, 28 का 1 में मल्टीपल करोगे तभी 28 आएगा संयोग, बस बस हल कर लो, हो गया आंसर, इतना ही तो था।
अब इनको हल करना बड़ी मुसीबत है। देखो ये प्लस में है, ऐसा मत करना कि इनको कुछ गड़बड़ कर दो, ये दोनों माइनस माइनस हैं, तो माइनस माइनस जुड़ेंगे, तरीका समझ लो। तो ये 36 माइनस इन दोनों को जोड़ दो, आप जोड़ोगे 8 दो 10, हासिल का आया 1 1, और ये 4 दो 6 और 1 हो जाएगा 7, बटा ये हो जाएगा 84। इसको घटा लो भैया, जो भी आएगा आप घटा करके लिख लो। कहोगे 36 से 70 कैसे घटाएं, लेकिन मैथ में सब कुछ संभव है, तो ये माइनस में आ जाएगा, उल्टा करके घटा लो इसको लटका के, ठीक है। अगर ये 35 होता, अगर ये 35 होता तो 70 से 35 घटाते तो 35 आता, लेकिन अफसोस की बात ये 36 है, तो ये कम हो जाएगा, मतलब ये 34 बटा कितना आएगा, 84 आएगा, और वो भी माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या घट रही है। हाँ, इसको सिंप्लीफाई कर लो जो भी करना है। क्यों सिंप्लीफाई होगा? क्योंकि भैया देखो ये सब सम संख्याएं लग रही हैं आपस में ना, दो से कटेंगे ये, ऊपर 17 आ जाएगा, नीचे कितना आएगा, 2 4 8, 2 2 4 42 आएगा। हाँ, माइनस का 17 अपान ये हो जाएगा 42, 2 4 8, 2 2 4, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। चूँकि ये आ गया प्रॉपर फ्रैक्शन में, सम भिन्न हो गई, नीचे का अंश जो है हर जो है बड़ा हो गया, ऊपर का जो गिनती हो छोटी हो गई, यही हो गया फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हो। मैथ बहुत आसान है, लेकिन आपको इसे फ्रेंडली बनाना होगा, इससे आपको दोस्ती करना होगा, मित्रता करनी होगी, इससे आपको प्यार करना होगा। अगर आप इतना कर लोगे तो मैथ आप सीख जाओगे, पक्का सीख जाओगे, ठीक है। ये है भिन्न, भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। आज हम देखेंगे मल्टीपल ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि भिन्नों का गुणा करना। देखो बताया है कि जो फ्रैक्शन होता है, जैसे ऐसे लिखा गया है, तो ऊपर वाली गिनती को बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डेनोमिनेटर। तो बच्चा लोग ये जान लो, इसको हिंदी में अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। तो जब इसको सलूशन करते हैं तो हमें इसमें हर अंश कोई मतलब नहीं होता, बराबर है कि नहीं बराबर है। जैसे जोड़ने घटाने में हम आपको बताते थे कि जब अंश अंश अलग अलग हो, हर हर बराबर हो, तो कुछ और नियम होता है, नीचे एलसीएम वगैरह लेते हैं, खचा पचा था ना, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बिल्कुल शुद्ध शुद्ध है, ऊपर का ऊपर में गुणा कर लो, नीचे का नीचे में गुणा कर लो, बस। ऐसा नहीं है कि 3 का गुणा 5 में करना ज़रूरी है, 5 का 3 में भी कर सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। 3 5 कितना होगा, 15, और ये 2 7 14, ये हो गया आंसर। बहुत आसान होता है मैथ, बहुत आसान है। देखो अगला, अगला क्या कहता है, देखो ध्यान दो इधर साइड में, बहुत गौर से देखना, ईमानदारी से देखना। इसमें क्या होगा भैया, 3 का 8 में गुणा कर लो तो ये कितना हो जाएगा, 24, और 7 का 5 में कर लो तो 35, हो गया आंसर। अगर आगे बात करें, ये 3 पद का है, थोड़ा झमेला वाला है, क्योंकि स्टेप अगर आगे बढ़ोगे तो भैया थोड़ा हार्ड तो होता जाएगा ना, लेकिन समझने की कोशिश करना है। देखो कैसे होगा ये, जरा इधर साइड में ध्यान दो, मैं फैन भी बंद कर देता हूँ आपकी सुविधा के लिए, मैं थोड़ा गर्मी सह लूँगा। देखो इसमें ये है हर, ये है हर, ये है हर, ये है अंश अंश अंश। ये मान लो ये जैसे शादी होती ना, एक लड़की वाला पक्ष होता है, एक लड़के वाला होता है, तो ये मान लो लड़की वाला पक्ष है, ये लड़के वाला पक्ष है, तो ये दोनों पक्ष अलग अलग हैं, जो ऊपर है वो दूसरा पक्ष है, जो नीचे है वो दूसरा पक्ष है। तो अगर कोई सेम नंबर मिल जाता है, सेम नंबर या फिर उसका फैक्टर शामिल है उसमें, तो उसको काट देते हैं, डिवाइड करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो इस तरह से अगर आप यहाँ थोड़ा ध्यान से देखो, तो यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है, ये डिवाइड हो गया। डिवाइड होने का मतलब ही नहीं एकदम ख़त्म हो गया, वीरान नहीं हुआ, उस पर 1 आया है कट के, यहाँ भी क्या आया, 1 आया है। और अगर हम आगे बात करें तो अभी और सिंप्लीफाई होगा, वो क्या है, ये भी देखो डिवाइड होगा, 7 1 7 और 7 3 21। कुछ लोगों के मन में चहल पहल मची होगी कि ये बताओ जब दो दो गिनती होती तो नहीं काटा जाता है क्या, तब भी काटा जाता है, तब भी ये किया जा सकता है। लेकिन बच्चा लोग आप ये देखो, यहाँ कहीं कटने वाला नंबर है ही नहीं, 2 से 3 नहीं कटेगा, 5 से 7 नहीं कटेगा, 7 से 3 नहीं कटेगा, 2 से 5 नहीं कटेगा, ये कोई कटे पिटेंगे नहीं, पहले से ही ये मजबूत है, इस वजह से ऐसा नहीं किया गया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नया इतिहास बन रहा है, वो क्या है, ऊपर देखो यहाँ 1 आ गया, नीचे देखो यहाँ 8 वैसे है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दूसरे वाले में अगर चलें तो 21 की जगह 3 आ गया, नीचे 1 आ गया। मल्टीपल 5 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, नीचे 1 आ गया। देखो नया नया गिनती आ गई, कटपिट के सब शांत हो गए, ठंडा हो गए सब, जैसे लड़ाई होती ना दो पक्ष में, पहले खूब गर्मी गर्मा होती है, देख ले बे, देख ले देख ले, है ना, बाद में जब दोनों को मिलती है तो दोनों ठंडा हो जाते हैं, वैसे ये भी है। अब क्या हुआ, ये 3 5 15 और ये 8 1 8, मतलब ये हो गया आंसर। बात समझ में आई ना, जल्दी से फटाफट इसको नोट करते चलो, मतलब लिखते चलो, तब ज़्यादा अच्छा लगेगा, लिखोगे नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा बाबू, ठीक है। जल्दी करो, फटाफट नोट करो।
अगर हो गया तो मैं मिटाऊं। बोलो बोलो जल्दी जल्दी बोलो, कमेंट भी करो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत करो फटाफट, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना जिससे कि आप मैथमेटिक्स सीख सको, फिर दोबारा शर्मिंदा ना होना पड़े कि मैथ नहीं आती है, ऐसी बीमारी है जो किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं, ये मैथमेटिक्स की बीमारी गुप्त रोग ना बने आपका, ठीक ना। इसलिए क्लास को शेयर करिए और रेगुलर देखिए। देखिए इस क्वेश्चन पर बहुत ही ध्यान देना, ये क्या कहता है, ये थोड़ा सा उसी तरह से है बस थोड़ा सा अलग है, हल्का सा अलग है बस, बहुत ध्यान से समझना। इसमें भी आपको पहले क्या करना है भैया, गुणा डायरेक्ट नहीं करना है, सिंप्लीफाई कर लेना आसान हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो बच्चा लोग आप ये करो 18 का गुणा 35 में करो, तो बताओ कर पाओगे? हाँ कर लोगे, मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ी सी मुसीबत होगी। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि 9 का गुणा 5 में करो, तब तो कहोगे गुरुजी तो बड़ा मज़ेदार है, इससे 2 तो ज़्यादा अच्छा है ना। तो फिर ऐसे मज़ेदार बना लो ना इसको, काहे बड़ा बड़ा करोगे, है ना, बैठे मिले खाने को तो काहे जाए कमाने को। चलो देखो इधर कैसे, ये नंबर कट जाएगा किससे, 19 से, क्योंकि अगर आपको 18 का पहाड़ा आता है तो आप इसे बड़े आराम से कर लोगे। 18 पंचे 90 होता है, 18 फाइव या 90 होता है। टेबल नहीं आता तो कमेंट करना, आपको ट्रिक बता दी जाएगी, चुटकियों में आप 20 तक का पहाड़ा याद कर लोगे बिना दिमाग लगाए, मतलब बैल बुद्धि वाले भी याद कर लेंगे। अब ये क्या होगा, 7 एकम 7 और ये 7 पंचे 35, ये नए रूप में आ रहा सामने, कट फिट गया, सब ठंडा हो गया, छोटा हो गया। अब इधर साइड में अगर आप देखो तो क्या है, यहाँ देखो ऊपर 1 नीचे 1, ये 1 ये 1, बाकी सब गए हो ऊपर 5 नीचे क्या आया 5। अगर वहाँ ध्यान दिए होते तो ये भी चला जाता यहीं पे, ये 5 5 कट गया 1 1 आया, मतलब यहाँ भी क्या हुआ 1 1 हो गया। फाइनल में 1/1, मतलब आप कह सकते हो इसका उत्तर 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा। नोट करते चलो फटाफट, देर नहीं लगाना क्योंकि मैं ज़्यादा रुकने वाला नहीं हूँ। और हाँ एक बात आपको महत्वपूर्ण बता दूँ, क्लास 9th और 10th की विशेष मैथमेटिक्स के लिए आप PBR स्टडी क्लास 9th एंड 10th इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में देखो ये नीले कलर का सबसे ऊपर दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो आप इसको लिख करके सर्च कर लो, PBR स्टडी क्लास लिखोगे और अगर 9th भी लिख दिया तो आ जाएगा चैनल। ओके चलो, तो भाई ये हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, ये भी कुछ ऐसे ही है, जरा ध्यान से देखना, इधर साइड में जगह नहीं इसलिए मिटा रहा हूँ, वीडियो को पीछे करके लिख लो, नहीं लिख पाए तो जल्दी करो। इसको क्या करोगे ये भी देखो, नीचे ऊपर से सिंप्लीफाई होगा नहीं होगा, 25 और 38 में कोई संबंध है नहीं है, ये एक दूसरे क्या हैं, विपरीत ही अलग अलग समुदाय के हैं। जैसे इस समय देखते हो ना जो नेता लोग हैं हिंदू मुस्लिम करके कितना मज़ा लेते हैं और हम बेवकूफ़ लोग लड़ाई करते हैं, ऐसा नहीं करना कतई। देखो वैसे ये दोनों अलग अलग समुदाय के, इनमें कोई रिलेशन नहीं है, खान पीन नहीं इनमें, तो ये आपस में नहीं कटेंगे, क्या करेंगे इनके पड़ोसी हैं, इनसे इनकी बहुत बनती है, आप ऐसे समझ लो। जैसे अगर आपके बगल पड़ोसी हैं उनसे नहीं पड़ती, आपकी पड़ोसी बहुत दुष्ट टाइप का है और उसके 3 घर बाद आपके मित्र हैं तो वहाँ से पड़ती होगी, तो ज़रूरी नहीं कि जो आपके पास में है उनसे बहुत अच्छी दोस्ती हो आपकी, वैसे यहाँ भी है, तो इनकी इससे पड़ती, मतलब ये इससे कट जाएंगे। कैसे कैसे डिवाइड होंगे देखो, 5 से हो सकता है, 5 5 या 25 और ये 5 9 जा कितना 45। अब देखो यहाँ पे ये डिवाइड हो सकता है कई तरह से, कई तरफ, 9 में देखो 3 से डिवाइड हो जाएगा, फिर ये 3 3 जा 9 और 3 4 जा, अब कहीं कुछ नहीं कटने वाला है। ऊपर 5 आया था यहाँ साइड में, नीचे 38 था और इधर साइड में नया आया है 4 और नीचे आया 3। अब देखो भाई इसमें अभी आप कुछ कर सकते हो, ये अभी भी कट सकता है, ये 2 2 4 और 2 9 2 38 ना, अब गुणा कर लो डायरेक्ट, 5 का 2 में 10 और 19 3 57 ना, 57 तो होगा, 19 2 38 19 3 57 3 9 27 3 1 3 2 5 10/57 आया। जल्दी लिख लो या फिर नोट कर लो फटाफट, कुछ भी करो, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत देर नहीं करो क्योंकि टाइम नहीं है। ये क्लास मात्र आपको यूट्यूब पे 10 मिनट मिलेगी, अगर आप इसे लंबी लंबी क्लास देखना चाहते हैं, जल्दी जल्दी मैथ सीखना चाहते हैं तो आप PBR स्टडी ऐप डाउनलोड करें और मैथ सीखें, मात्र 30 दिन में कंप्लीट बेसिक मैथ सीखें अपनी ज़रूरत के हिसाब से। इसको क्या होगा, ये भी वैसे सिंप्लीफाई होगा, कर लेना, अब मैं नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ आपको भी करना चाहिए। करत करत अभ्यास से जन्मत होत सुजान और असरी आवत जात से सिल पर परत निशान, ऐसे कुछ है, मैं उल्टा पुल्टा बोल रहा हूँगा हाँ, लेकिन फिर भी आप समझ जाएंगे मेरा मतलब क्या है। तो ये था भिन्न का गुणा। इस तरह से दोस्तों अगर मैं फ्रैक्शन की जगह कुछ आपको नया चीज़ दिखा देता हूँ तो खतरनाक, जैसे मैंने कहा बच्चा चलो ए गुड़े ए अपान बी और फी अपान डी
और इसमें कर दो आप पी अपान क्यू का मल्टीपल। तो आप कहोगे गुरुजी का तो हम कबो देखे ना रहे, नहीं कौन नया तरीका ले आए। तो मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बता दे रहा हूँ, इधर साइड में देख लो, नीचे देखो। जैसे अगर आपको किसी भी जैसे ए का ए में गुणा करना है, ठीक है, तो आप इसका गुणा करोगे तो क्या होगा पता है आपको? इसकी घात एक होती है, इसकी एक होती है, लेकिन यार बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी ये, अभी रहने दो, अगली क्लास में ये अलग बताया जाएगा, चूँकि फिर बहुत टाइम हो जाएगा। हाँ तो हाँ, इसको मैं शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ, आप कमेंट करोगे तो मैं इसको विस्तार से बताऊँगा। इसका मल्टीपल करोगे तो ये हो जाएगा ए सी पी और नीचे वी डी क्यू, बस यही उत्तर हो जाएगा। आप कमेंट करोगे तो मैं इसको विस्तार से भी बताऊँगा और सीख तो जाओगे, गारंटी हमारी है। आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन में डिवीजन, भिन्नों का भाग, एकदम शून्य से जब बच्चा पढ़ने जाता है स्कूल में तब से वहाँ से वैसे ही सीखेंगे। चलो पहले है 5/7, इसको हम ऐसे चुपचाप लिख लेंगे, जहाँ भी दो भिन्न दी रहेंगी, बीच में ये भाग का चिन्ह है, दो बिंदी बीच में एक लाइन। तो साथियों इसमें क्या करते हैं, ये यहाँ गुणा का चिन्ह लगा दिया जाता है, भाग का चिन्ह हट जाता है और ये बंदा इसके साथ बेवफाई करके पलट जाता है, मतलब उलट जाता है अपने के उल्टा। जो दो ऊपर था तीन नीचे था ना, तो बच्चा ये तीन ऊपर हो जाता है दो नीचे हो जाता है, बस यही तो सारी कहानी थी, हो गई ख़त्म। नीचे गुणा कर लो उत्तर आ गया, ऊपर ऊपर गुणा कर लो, नीचे नीचे कर लो, जो आप गुणा में सीख चुके हो पिछली क्लास में, अब तो बताने की ज़रूरत है नहीं, सिर्फ एक ही लाइन आपको बताना था। तो ये कम्प्लीटली फाइनल में आपको बन जाएगा 5 3 15 एंड 7 2 14। ओके लिख लो, ये हो गया उत्तर, समझ में आया ना, कितना आसान था। पहली भिन्न को लिख लो चुपचाप, भाग का चिन्ह हटा दो, गुणा लगा दो और इसको पलट दो, जो रहे जो नीचे गिनती उसे ऊपर कर दो, ऊपर वाली को नीचे कर दो, बस ऊपर नीचे करना जानते हो ना। चलो देखो इधर 8/7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ पहले से ही बुद्धि गड़बड़ हो गई है, यहाँ तो पहले से ही भाई लोग लगा है गुणा, ये गुणा नहीं रहेगा, भाग रहेगा, चूँकि हम क्या कर रहे हैं, भाग के सवाल करने की नीयत से आए हैं। तो भाग का चिन्ह हटा के गुणा लगाएंगे, ये पलट जाएगा, 9 नीचे आएगा 4 ऊपर हो जाएगा, इसको आप डिवाइड करोगे सिंप्लीफाई करोगे, देखो कोई नंबर किसी से कटेगा नहीं, तो गुणा हो जाएगा 8 4 32 और 9 7 63, ये हो गया आंसर। अगर आगे बात करें तो यहाँ पे ध्यान दो आप, मैं क्या सब मैं ही बताऊँ क्या, बेवकूफ़ समझ रहे हो, इसको खुद से करके उत्तर बताना, मैंने दो बता दिया इस तरह का। अब हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान देना बहुत ईमानदारी से देखो और लिखते जाओ बच्चा, नोट नहीं करोगे ना समझ में नहीं आएगा, ठीक है, बात समझ रहे हो ना, नोट नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा, और हमारी बात को बुरा नहीं मानना। देखो बच्चा मतलब वो स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ाई करते हैं, इसका मतलब कुछ गलत नहीं समझना, क्योंकि हमारी आदत है थोड़ा सा क्लास में भी स्टूडेंट आते हैं ना, तो बस चलो आगे। तो आप भी स्टूडेंट ही हैं अगर पढ़ रहे हैं तब, ये हो गया इतना। ओके तो ए बी सी डी, अब हम कुछ क्वेश्चन नए लेंगे, जैसे मैंने सी वाला दिया आपके लिए, आप कह रहे होगे अपना आसान आसान कर दिए और मेरे लिए बड़ा वाला दे दिए, ये कहाँ का न्याय है, लेकिन ये बार बार क्यों आता है यार, मतलब ये ख़त्म हो गया था तब भी फिर भी क्यों आ रहा बार बार ये, मतलब इसकी कौन सी ये लफड़ा है। देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, 18/5 यहाँ पर लिख दो, कोई ऐसा नंबर लिख दो जो कि उधर साइड से डिवाइड हो सके, मतलब मान लो मैंने लिख दिया 105, अब चलो क्या होगा, आसान है, वेरी इजी है, सिंपल सा है। चलो देखो अब की तो मैंने लिख ही दिया है 49। देखो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाना चाहता हूँ, हाँ ठीक है, नीचे इसको ऐसे लिख लो, पहला भिन्न मैंने लिख लिया, भाग का चिन्ह हटा के गुणा लगाओ, ये पलट जाएगा, 105 ऊपर चला जाएगा, 80 नीचे आएगा, फिर क्या होगा, फिर वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, ये डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, बस है ना, 5 से काट दो, 5 7 35, ये 5 2 10, 5 1 5 कटेगा क्या, 49 18 से कभी नहीं, क्यों, क्योंकि ये बच्चा भैया लोग ये सम संख्या ये विषम संख्या है, सम विषम संख्याएं कभी एक दूसरे से कटती नहीं है, उसी प्रकार से जैसे हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम की शादी को सही नहीं माना जाता है, समझ रहे हो ना, मतलब समाज में, बाकी कोर्ट तो मानता है। आगे देखो ये क्या है, अभी एक बात यहाँ और है, ये 7 है ये 49 है ना, तो ये कट जाएगा, 7 1 7 और 7 7 49, बोलो हो गया ना। अब देखो जो नए नए मोहरे आए हैं वो क्या हैं, यहाँ 7 आया ऊपर, यहाँ 1 आया, यहाँ 18 है,
यहाँ क्या है 21। अभी ये फिर भी डिवाइड हो रहा है, हो रहा है कैसे, देखो तीन से अभी ये कटेगा, तीन छंग 18 और तीन सत 21, तो फाइनल ये हैं कौन से, ये फाइनल है 7/1 इंटू 7/6, मतलब भैया लोग क्या आएगा ये 49/6, ये उत्तर हो गया। इसको आप भाग दोगे तो आप इसे मिश्र फ्रैक्शन में बदलोगे, कितनी बार जाएगा, 6 × 8 = 48 ना, 8 सही 1/6 ऐसे कुछ आएगा ना, हाँ लिख लेना, यहाँ कोई मिस्टेक तो नहीं है, देखो मैंने इसको सीधा सीधा लिखा था, इसको पलट के लिखा था, हमने सबसे पहले क्या किया था, काटा था 3 × 18 3 × 7 = 21 वहाँ से भी मान लो, लेकिन मैंने तो सबसे पहले इसको किसी और से काटा था भाई, 18 था ना ये, देखो 49 7 से मैंने काटा था इसको, 7 × 5 = 35, देखो एक बार थोड़ा सा मुझे झंझटी लग रहा है ये, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं समझ में आया तो बताना, ठीक है ओके आगे बढ़ें। लेकिन हमें लग रहा है कि आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन हो रही होगी, तो मैं एक बार इसको डिक्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मुझे भी कन्फ्यूजन हो रही है कि ये बहुत एक में घाचा पाचा हो गया ना, चलो देख लो फिर से एक बार थोड़ा सा देख लो बस, बहुत ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, वैसे तो हो गया क्लियर भी हो गया, लेकिन ये इतना बार कट गया ना इसी में कि आपका दिमाग कट रहा होगा। देखो ये 49 ऐसे लिख लो, 35 लिख लो, गुणा का चिन्ह लगा लो, 105/18 लिख लो, हर एक स्टेप अलग अलग लाइन में करो, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम 5 से काट रहे थे, 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 5, इसको अगर मैं काटने की कोशिश करूं तो ये नहीं कटेगा, अब हम फिर से वैसे लिख लेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, लेकिन एक बात ये है कि अगर आप नहीं करोगे तो इसको कई स्टेप में कई लाइन में आपको करना पड़ेगा, ठीक है। देखो कैसे ये 49/7 आ जाएगा फिर, और ऊपर देखो 21 आया था, नीचे 18 आया था, अभी ये फिर डिवाइड होगा, फिर आपको लंबा खींचना पड़ेगा, याद रखना। अब ये 7 से कटेगा, 7 × 7 = 7, 7 × 7 = 49, ये 3 से कटेगा, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21। अब देखो यहाँ 7 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ 7 आया, यहाँ 6 आया, तो फाइनल में 7 × 7 = 49 और 3 ये जो नीचे 6 था 6 आ गया, थोड़ा लंबा हो गया लेकिन आपको क्लियर हो गया होगा ना, बोलो हुआ कि नहीं, क्योंकि एक में खटर मटर हो जा रहा था, लिख लो जल्दी से, जल्दी करो। देखिए कुछ और भी नए क्वेश्चन हैं, बहुत ही ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करो इनको, इतना पर्याप्त दिख तो रहा ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। देखो इसमें क्या करना है, 75/18 है, डिवाइड का चिन्ह है, 150 है, फिर 108 है, इसमें भी वही सिंपल सा करना जैसे आप करते आए हो, पहले ऊपर वाला फ्रैक्शन लिख लो 75/18, उसके बाद बीच में मल्टीपल लगाओ, भाग का चिन्ह हटा दो, 108 को ऊपर कर दो और ये 150 को नीचे कर दो, यही तो होता है ना इसमें ऊपर नीचे, अब क्या होगा, काट दो इसको 75 × 75, ये भैया 75 × 2 कितना होता है, 150 होता है ना, इसको काट दो, 18 से काट दो, 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 108, नहीं कटेगा ये, इसका मतलब ये डिवाइड नहीं होगा, ये लफड़ा फंसा देगा आप, तो क्या होगा फिर, फिर होगा क्या, जो बच रहा बचा लो सीधा सीधा, फिर अब कुछ नहीं कटेगा, ये 1/18 हो जाएगा और ये 105/2 हो जाएगा, दोनों का मल्टीपल कर लो, 105/36 हो जाएगा, आप इसको भाग दे लेना, सही बटा में लिख लेना, मतलब मिश्र भिन्न के रूप में, बाकी उत्तर तो इतना हो गया यहीं पर, बात समझ में आई ना। लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि मिश्र भिन्न के रूप में लिखते कैसे हैं, ज़रा ध्यान से देखो यहाँ पर कि मिश्र भिन्न के रूप में कैसे लिखा जाता है। यहाँ पर अगर हम भाग करें 105 में किससे, 36 से, तो आप जानते हो तीन बार तो जाएगा नहीं, दो बार जाएगा, 2 × 12 2 × 3 = 7, 72 बार हो जाएगा ना, तीन बार अगर जाएगा 3 × 18 3 × 9 = 10 108 आएगा, गलत हो जाएगा, तो घटाओगे 5 × 2 = 3 और ये बच्चा कितना आएगा 3, यानी आपका 33 सही 2/36 आएगा, कितना आएगा 33 सही 2/ और ये 36, ठीक है, आप इसको हल कर लेना और गुणा भाग कर लेना, फिर उसके बाद बताना जैसे भी होगा। देखो इसमें लेकिन अभी तो ये और भी जाएगा ना आगे, अभी इतना था यहीं ख़त्म हो जाएगा क्या, ट्राई करके देखो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा कि अभी और आगे करेंगे। देखो ये ठीक इसलिए नहीं है ना क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा जल्दी कर दिया, अभी और भी ये डिवाइड हो रहा है, अभी और भी डिवाइड हो रहा है, तो आप ऐसे इसको भाग नहीं कर सकते हो, क्यों, क्योंकि इसको पूरा तरह से छोटा कर लो तब आप वो तरीका अपनाओगे। अभी देखो 3 से कट रहा है, यहाँ भी कटता है, यहाँ भी काट दो, तो 3 × 3 = 3, 3 × 2 = 6 और ये 3 से कटेगा, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15,
अब ये रियल वाला आया 35/12, अब इसको भाग करो तब समझ में आएगा क्या होता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग थोड़ा आगे कर दिए थे, ज़्यादा स्टेप बढ़ा दिए थे, तो 35 में भाग करो 12 से, तो आप जानते हो 12 दूना 24 जाएगा, कितना जाएगा 24, घटाओगे तो कितना आएगा, 5 में से 4 गया 1, 1 11 आएगा ना, और कुछ होगा क्या इसमें, 12 3 36 ज़्यादा हो जाता, 12 दूना 24 ठीक है। तो इस तरह से आपका कितना आएगा, ये कितना आएगा, ऊपर कितना गया 2 गया ना। तो अब आप हमें बताओ 2 सही 11 बटे कितना आएगा, 2 सही 11 बटे 12, क्यों 12 दूना 24, 24 में 11 जोड़ो आ जाएगा ना, तो ये होता सही बटे में, बात समझ में आई ना। हमने क्या किया अभी तक, हमने सिर्फ एक ही सवाल को हल किया, वहाँ तक गया, जो ऊपर जो ब्लैक में लिखा वो दूसरा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो तो मैं उसको भी बताता हूँ, ठीक ना। ऊपर ब्लैक वाला क्वेश्चन है वो सलूशन नहीं है, जो रेड कलर में है उतना ही सलूशन है, याद रखना। और हाँ, लास्ट वाला ये फाइनल आंसर है, ये लास्ट वाला फाइनल आंसर है, जो रेड कलर में है सलूशन है, बाकी सब क्वेश्चन है, सिर्फ रेड कलर वाला सलूशन है, बस लिख लिए ना, आगे चलें, चलो ठीक है ओके। देखिए स्टूडेंट, अब आप इसको अच्छे से कर लोगे तो हम क्या करें ना, अब हम इसको मिटा देते हैं। आप लोग जो क्वेश्चन दिया गया है उसको आप करना और फिर हमें बताना, ये आप घर से करना। नाम है डेसिमल, हिंदी में इसको बड़े ही प्यार से दशमलव कहा जाता है। आप लोग अक्सर SSC, बैंक, रेलवे, टेट, CTET, सुपर टेट कोई भी एग्जाम देते हैं तो आपको कुछ छोटे छोटे टॉपिक ऐसे उलझा देते हैं कि आपकी ज़िंदगी उलझ जाती है उन्हीं की वजह से। तो हमारा यही प्रयास होता है कि किसी भी छात्र छात्रा का इस तरह से भविष्य इन छोटी चीज़ों से ना उलझ जाए। तो चलिए देखते हैं, दशमलव का पहले जोड़ना देखेंगे। अक्सर हम देखते हैं कि दशमलव किसी भी संख्या में सिर्फ एक ही जगह लगता है, तो सबसे बड़ा फैक्ट इधर किनारे में मैं लिख दे रहा हूँ, एक बात याद रखना, किसी भी संख्या में दशमलव का प्रयोग सिर्फ एक बार किया जाता है, उससे अधिक बार किसी भी संख्या में दशमलव का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर नीचे मैं लिख दूँ ऐसे, ऐसे लिख दूँ ऐसे, इसका मतलब ये दशमलव नहीं है, फिर ये कुछ, इसे कुछ और माना जाएगा, इसे ऐसे नहीं पढ़ोगे कि 98.35.37 ऐसे ना, ये दशमलव है नहीं, फिर दशमलव सिर्फ यही है इसमें, यानी एक संख्या में दशमलव का प्रयोग एक जगह होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, जो लोग अशुद्ध रूप में पढ़ते हैं बच्चा भैया लोग, वो समझ जाएं कि जैसे अगर ये डेसिमल लगा है ना 1.72 ना, तो इसको आप कभी भी 1.72 नहीं पढ़ना, 1.72 नहीं पढ़ना। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये गलत तरीका है। आप किसी पढ़े लिखे के सामने बोलेंगे या कहीं अगर आप इसको शब्दों में लिखना था लिख दिए तब तो सत्यानाश हो जाएगा। तो ये 1.72 आप बोल सकते हो, 1.72 बोल सकते हो, लेकिन इसको 1.72 या 1.72 नहीं बोलना। क्यों? क्योंकि जो दशमलव के बाद है ये 72 नहीं है, ये 72 का एक कुछ भी परसेंट नहीं, हजारों भाग भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 1 से भी तो कम है ना यार, ये 1 से भी कम है, मतलब हजारों भाग तो मैं बहुत ज़्यादा बोल दिया फिलहाल, लेकिन फिर भी ये 1 से कम है कि नहीं, इसका मतलब है 0.72। ये 1 तो मैं छोड़ दिया किनारे, ये तो पूर्ण संख्या थी, इससे नहीं मतलब। बताओ ये 72 है? नहीं है ना, तो फिर आप इसे 72 क्यों पढ़ रहे हो? तो ये बात आप याद रखना। उसके बाद चलिए हम आपको मुख्य बात बताते हैं जिसके लिए हम आए हुए हैं। ध्यान से देखो, क्लास को पूरा एंड तक देखना, अगर समझना है तो 10-5 मिनट देखना, नहीं समझना है तभी तुरंत चले जाओ, हाथ जोड़ रहे हैं। चलो, जब किसी भी दशमलव संख्या को जोड़ते हैं तो हम विशेष रूप से ध्यान देते हैं कि दशमलव के जस्ट नीचे दशमलव लिखा जाता है, ये विशेष ध्यान होना चाहिए। जैसे हमें इन दोनों को जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, हम इस नंबर को पहले लिख लेते हैं। ऊपर तो मान लो क्वेश्चन है 2.3 हमने लिख लिया, अब हमें जोड़ना था 5.1। हम सबसे पहले दशमलव लगाएंगे, बाकी के काम बाद में करेंगे। दशमलव के दाहिनी साइड यानी राइट साइड 1 था, हमने 1 लिखा, और लेफ्ट साइड देखो 5 था, हमने क्या लिखा, 5 लिखा। अब इनको जोड़ लो, जैसे बचपन से जोड़ते आए हो वैसे ही जोड़ लो, इसमें कुछ नहीं करना, 3.14 हो जाएगा, बीच में पॉइंट की जगह पॉइंट यानी दशमलव, और ये 5.27 यानी 7.4 इसका आंसर आ गया। इसको हमने क्या किया, जोड़ दिया। अभी दिखाएंगे हासिल वाले में भी ऐसे होता है, उसका हासिल दशमलव के अगले तरफ जो है बार ट्रांसफ़र हो जाता है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती है, इस बात को विशेष ध्यान रखना, खासा ख्याल रखना ओके। चलो इस पे चलते हैं। देखो मैं आगे से हटता रहता हूँ, डोलता रहता हूँ, हिलता रहता हूँ, जिससे आप लिख भी लो। अब देखो इसको कैसे जोड़ेंगे, इसमें थोड़ा सा खतरा है, वो कैसे, अगर ऐसा नियम ना अपनाए तो सत्यानाश हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखो कैसे लोग गलत जैसे करते हैं, 172 ऐसे है ना, अगर आप इस तरह से जोड़ लिए इसको, बच्चा लोग भैया लोग जैसे भी समझो, मान लो ऐसे ही जोड़ लिए, चलो
0.2, हमने यही सीखा ना बचपन से ना, यही सीखा है ना 9-1, ये गलत तरीका है। आप किस में किसको जोड़ोगे? आप बचपन से सीखे हो कि हमेशा हम क्या करते हैं, गिनती के नीचे गिनती लिखते हैं, तो आप जानते हो। तो इसमें हमें विशेष रूप से ये ख्याल रखना है, इसको शुद्ध रूप में लिखना है, पहले 1.72, उसके बाद हमें दशमलव लिखना है, दशमलव के बाद ही कुछ लिखना है अपने से, ठीक है। तो दशमलव के बाद अब देखो क्या है इसमें, देखो दशमलव के बाद सिर्फ वन है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, वन लिखेंगे। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, दशमलव के अगर पहले देखो तो 2 है, 9 है, 1 है, तो क्या इसके पहले 2 है, फिर 9 है, फिर 1 है, ये कहाँ तक जा रहा है इससे नहीं मतलब है, ये उलझ जा रहा है, लड़बड़ा जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है इसको आपको। लेकिन दशमलव विशेष ध्यान रखना, दशमलव के नीचे ही दशमलव आप लगाना, मतलब ये खड़बड़ा रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ जा रहा है, उससे नहीं मतलब सोच रहे हो, ये तो इधर आगे भाग जा रहा है, उधर जा रहा है, इससे नहीं मतलब। ये सही तरीका है। अब आपको क्या करना है, इनको जोड़ना है। आप सोच रहे होंगे इसके नीचे कुछ नहीं है, डिसबैलेंस हो रहा है, तो जीरो लिख दो, जिसके आगे कुछ नहीं आगे पीछे उसके जीरो लगा दो। देखो ये भी बराबर हो गया, बराबर दिखने लगा, जैसे देखो ना पोस्टमार्टम होता है, लाशों में भूसा भर दिया जाता है, पैरा भर दिया जाता है, वैसे इसमें क्या करेंगे हम लोग भी, इसका वही करने वाले हैं। अब जोड़ लो इसको, ये 2 में 0 क्या आया 2, 7 में 1 8, पॉइंट जहाँ था वहीं रहेगा, दस हम लोग वहीं रहेगा, खिसकेगा नहीं किसी तरफ। 2 में 1 3, और ये 9, और ये 1 193 हो गया ना। जल्दी फटाफट इसको लिखते जाओ बच्चा लोग, और हाँ जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें, और बेल आइकन ऑन करें, जिससे कि आपको इस तरह से मज़ेदार क्लास मिलती रहे और आप अपना नॉलेज घर बैठे बढ़ाते रहें। जल्दी करें, बहुत जल्दी करें, देर ना करें, और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और व्हाट्सएप नंबर पर फटाफट भेज दीजिए, आपको वहाँ पर आगे की सारी कहानी सुना दी जाएगी कैसे क्या होगा। चलिए आगे इसको कैसे करोगे, देखो मैं दो बार लिखने से अच्छा है मैं एक ही बार ना लिख दूँ, नहीं आप लोग कहोगे बड़ा कंजूस टाइप के हो। चलो मैं दो बार लिख ही लेता हूँ, 489, कंजूस कहने वाले तो चले गए फिलहाल। देखो अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, अब पॉइंट के राइट साइड देखो क्या क्या है, 0 3 2 1, तो क्या है 0 3 2 1 ना। अब पॉइंट के लेफ्ट साइड क्या क्या है, 8 9, क्या है 8 9, इनको क्या करना है, ऐड करना है, बस ऐड कर दो ना यार, जोड़ना तो आपको आता है ना। आप देखो वन के ऊपर कुछ नहीं तो जीरो लगा दो, सुनना लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसके ऊपर कुछ नहीं खोपड़ी पे जीरो लगा दो। अब इनको जोड़ लो, जैसे जैसे आएगा वैसे लिखते जाओ, इसमें कोई भी इधर उधर नहीं करना है। इसमें देखो थोड़ी भारी मुसीबत है, इसको भी हम वैसे ही करेंगे जैसे इसमें करते आए हो। और हाँ एक बात आपको बता दें, ये यहाँ पर एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके आगे अगर आप विस्तृत पढ़ना चाहते हैं तो आप PBR स्टडी ऐप डाउनलोड करें और क्लास को वहाँ से फटाफट देखना शुरू कर दें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम बहुत एकदम लो लेवल बताते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको विश्वास हो जाए, ये डेमो क्लास है याद रखना, कि आपको विश्वास हो जाए कि हाँ आप सीख सकते हो। इसको जोड़ना है क्या करोगे, पहले सबसे पहले पहले वाला लिखो, हाँ लिख लिया, दूसरा पहले पॉइंट लगाओ बच्चा, पॉइंट के बाद देखो 0 5 है तो हम 0 5 लिख लिए, पॉइंट के पहले देखो 1 2 3 है तो पॉइंट के पहले हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 लिख लिए। अगला भी जोड़ना है, फिर से पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के राइट साइड देखो तो 7 3 है तो ये बच्चा लोग 7 3 हो गया। अगर लेफ्ट साइड देखो बाईं साइड में क्या क्या है, 4 अंक है, वो कौन कौन सा है, 9 है, 5 है, फिर 2 है, फिर 1 है। ये ऐसे ही लिखना याद रखना, हमेशा दशमलव के जस्ट नीचे दशमलव होना चाहिए। जैसे आप देखे हो अगर घर बनता है तो बाथरूम बनता है, लेटरिंग बनता है, टॉयलेट वगैरह जो बनता है, वो अगर 10 फ्लोर का भी घर है तो हर एक फ्लोर पर टॉयलेट जो है एक सीधे में होता है, होता कि नहीं ध्यान देना, वैसे ही इसमें याद रखना। ऐसा नहीं है कि तीसरे फ्लोर पर टॉयलेट बनी है तो दूसरे फ्लोर पर उसी जगह किचन है, ऐसा तो कहीं नहीं होगा ना। या फिर किसी का बेडरूम है टॉयलेट के नीचे, ऊपर टॉयलेट वाला है तो क्या होगा, कभी कभी सीलन भी होने लगता है, और भी बहुत कुछ हो सकता है, आप समझ सकते हो। तो ऐसा बनाया जाता है, ऐसा स्ट्रक्चर बनता है कि रोशनदान के नीचे रोशनदान पड़े, देखे हो कि नहीं। अगर 10 मंजिला इमारत है, तीन ही मंजिला अक्सर होगी भारत में, हमारे यहाँ सामान्य शहरों में 3-4 मंजिला होती है, तो आप देखोगे अगर नीचे ज़मीन पे खड़े हो, ऊपर देखोगे तो आपको बादल दिखेगा, मतलब रोशनदान के जस्ट ऊपर रोशनदान बनाया जाता है अगर खुला रहे तो। बाकी कुछ कंजूस टाइम के अगर मकान मालिक ने ढक लिए, कुछ भी कर लिए, वो अलग बात है। तो उसी तरह से इसमें क्या करना है, जस्ट उसके ऊपर के ऊपर लगाना है, जिससे कि नीचे से देखो तो ऊपर तक दिखाई पड़े, समझ गए ना, यानी यहाँ से देखो अगर तो ऊपर तक दिखाई पड़े, ये चीज़ याद रखना। बाकी ये उलझा पुलझा हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा ऐंचा बैंचा, उससे नहीं टेंशन लेना। जहाँ जहाँ आपको कमी लग रही है वहाँ वहाँ जीरो लगा दो, ये लो,
ये लो, बराबर हो गया ना, बराबर हो गया ना, अब तो नहीं उल्टा पुल्टा लग रहा है। अब जोड़ लो सभी को, 5, 3, 8 और 3, 11, देखो यहाँ हासिल वाला आ गया, 11 ना, मतलब 11, 11 का वन डिजिट यहाँ लिख दिया बच्चा, वन डिजिट कैरी हो गया, हासिल हो गया, जो भी समझो। अब 7 और वो हासिल जो था बच्चा उधर साइड में 8 हो गया, हाँ इसमें कोई हासिल बच रहा क्या? नहीं ना। अब ये दशमलव वाली जगह आ गई, ये दशमलव उत्तर में भी उसी सीधा पे आएगा, एणी बैणी नहीं होगा इधर उधर की, यहाँ हो गया वहाँ हो गया, गलत हो जाएगा फिर। अब 9 में 3 8 करोगे, 9 3 12, यानी 9 3 12, 12 जानते हो ना, 6 6 12 ना। अब इसमें एक हासिल आ रहा, हासिल के ऊपर लिख दो खोपड़ी पे, अब 5 2 7 और 1 हासिल 8 आ रहा, समझ में ना? बहुत अच्छे से आएगा क्योंकि मैं बहुत इनमान से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 12:48 हो चुके हैं, रात्रि के दिन के नहीं, सुबह 5 बजे आप देखोगे, 5 2 7 1 8 और ये क्या हो जाएगा, मैंने कुछ तिरछा मिर्छा कर दिया है का ना, जगह कम थी, ये 2 1 3, ये 2 जो है जस्ट 1 के नीचे ही होना चाहिए, 2 1 3। अब एक चीज़ मैंने गड़बड़ किया था, आपने ध्यान नहीं दिया है, वो क्या है, देखो ये 1 जो है यहाँ मैं ला के लटकाया हूँ उसको बेवजह, ये 1 इसके नीचे था, लेकिन 2 इतना चौड़ा चौड़ेल होकर बैठ गया था ना कि दोनों की जगह ले लिया था। मतलब आप देखे हो ना, कभी कभी ट्रेन में जाओ तो क्या होता है ना, एक लोग जो बैठते हैं जगह मिलती ना तो 3 लोग की जगह रोका लेते हैं, मतलब जितनी ज़्यादा जगह उतना अच्छा से लोग बैठते हैं, तो बस वैसे ही कुछ हुआ था क्योंकि 2 मैंने ऐसे लिख दिया था कि दोनों के नीचे आ गया था। देखो 1 2 3, यहाँ 3 अंक है ऊपर ना, इसमें भी 3 अंक इसी के सीधे होने चाहिए। अगर आपने हल्का सा भी गड़बड़ लिखा जैसे मैंने अभी लिखा था तो ये सारा उत्तर गलत हो जाएगा, याद रखना, इस 0 का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, समझ गए ना? तो इसको समझ में आया कि नहीं आया? आया ना, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया, एक और भी हो गया था। जल्दी से फटाफट छाप लो, कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। अगर आप मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं पूरा कंप्लीट कम से कम समय में तो आप हमारी प्रीमियम क्लास ज्वाइन करें जिसके लिए आपको शुल्क पे करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह से छोटी छोटी वीडियो देखते रहेंगे तो आपको कुछ भी नहीं पे करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहें और फ्री में यूट्यूब पे सारी क्लास ऐसे छोटी छोटी क्लासें आती रहेंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद साथियों, अपना और अपनों का ख्याल रखना, घर में रहना, कोरोना से बचे रहना और फिर से एक बार भारत की समृद्धि में अपना योगदान देना।